क्योंकि कुछ फालतू चीज दिमाग में भरी हुई नहीं है। कॉमर्स वालों के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन रहता है हमेशा इकोनॉमिक्स को लेकर, ठीक है। अब जो दोस्तों इकोनॉमिक्स ये इन लोगों ने दिया है, आप लोग में से सब लोग सीए फाउंडेशन से ही आए हैं कि कुछ सीपीटी वाले भी है? कौन है सीपीटी वाला? कौन है सीपीटी? अरे बाप रे, बहुत है। सीपीटी में इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा, तो सीपीटी में जो इकोनॉमिक्स पढ़ा वो थोड़ा बहुत यहाँ पे है, ठीक है। और फाउंडेशन के अंदर जो इकोनॉमिक्स पढ़ा था वो यहाँ पे नहीं है, उससे पूरा ही अलग है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स इसके अंदर डाला है, प्रैक्टिकली अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्वेश्चन भी इस तरह के आते हैं कि आपको अगर फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है और ये सिचुएशन है, आप क्या करोगे? इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पूरा के पूरा आपका प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स है ये, ठीक है। एंड जहां तक सिलेबस का सवाल है, चार चैप्टर है टोटल, ज्यादा नहीं, चार ही है, लेकिन ये चार चैप्टर 14 अलग अलग यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो समझ लीजिए उसमें सिर्फ 2 यूनिट्स है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, इसके अंदर 4 यूनिट्स है, छोटे छोटे, छोटे कुछ बड़े भी है कुछ छोटे भी है। थर्ड चैप्टर है उसमें 3 यूनिट है, और जो फोर्थ चैप्टर है उसमें 5 यूनिट है। तो इन ऑल ये होते हैं 14 यूनिट्स। अब हमको 14 यूनिट्स अलग अलग पढ़ना है जो आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं हम। फर्स्ट यूनिट जो सॉरी फर्स्ट चैप्टर जो है, ये तो आप लोगों ने कॉमर्स वालों ने तो डेफिनेटली पढ़ा ही है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम सुना ही होगा आप लोगों ने, जीडीपी, ये सब फालतू चीजें जितनी भी है, जीडीपी वगैरह, ये सब तो आप लोगों ने देखा ही है। इसके अलावा केन्जियन थ्योरी वगैरह भी कुछ कुछ लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, सीबीएसई वालों ने केन्जियन थ्योरी, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, इस टाइप की चीजें सुनी होंगी, ठीक है। लेकिन ये अज्यूम कर लो, मैं कॉमर्स के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा कि यहाँ पे सारे साइंस वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। आप लोग बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे, लेकिन जरूरी है, ठीक है। तो जिसको नहीं भी आता है उसको अच्छे से आ जाएंगे, और जिसको आता है उसको और अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। तो वो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। सेकेंडली, मेरा पढ़ाने का तरीका कई लोगों को मालूम है, कई लोगों को नहीं मालूम। घर जाके पढ़ना है, घर जाके जो जितना पढ़ा है पढ़ोगे क्या? मैं बोलूंगा तो भी सर नहीं पढ़ने वाले, इसीलिए पढ़ना ही नहीं है, घर जाके पढ़ना नहीं, ठीक है। क्योंकि सुबह 7 बजे से कितने बजे तक रहते हैं यहाँ पे? 5:30, फिर घर जाएंगे, कुछ खाएंगे, थोड़ी देर सोएंगे, फिर क्या पढ़ेंगे सर? इतना सब कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन अप्लाई ये है कि क्लास में अटेंटिव रहना पड़ेगा, नहीं तो क्लास में कहीं और फिर तो घर जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो लेट आने वालों लेट मत आया करो, ठीक है। मैं तो, गुड मॉर्निंग बोल दिया मैंने पहले ही, ठीक है। स्टार्ट तो हम लोग कर ही देंगे रोज 7 बजे, 7:05 मैक्स, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपको नोट्स मिल गए सबको, इसमें 2 पेपर दिए एग्जाम के, मई एग्जाम का पेपर है, नवंबर का पेपर है, और मई 19 का पेपर आप लोगों को मिल जाएगा, जेरोक्स करवा के क्लास में दे दूंगा। ये 3 अटेम्प्ट हुए हैं अभी, ये जो नया सिलेबस जब से आया है इसमें 3 अटेम्प्ट हुए हैं, मई का अटेम्प्ट हुआ है, नवंबर का अटेम्प्ट हुआ है, और एक मई 19 का अटेम्प्ट हुआ है। नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन आउट ऑफ 40 मार्क्स, पूरे 40 मार्क में से एक भी मार्क का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस बुक के बाहर का आया है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची, आप लोग चेक कर लेना, जब पेपर पढ़ेंगे ना तब चेक कर लेना, एक भी क्वेश्चन इस बुक के बाहर का नहीं आया, पूरा के पूरा बुक में से आ रहा है, पूरा सिलेबस कवर किया इस बुक में। तो मॉड्यूल वगैरह ये सब पढ़ने की आप लोगों को मेरे तरफ से तो कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आपके पास टाइम है, एनर्जी है, तो आप पढ़ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ने की दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम्स हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे, कुछ आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। होमवर्क यानी अगले दिन तो वापस मैं कराऊंगा ही सॉल्व, होमवर्क तो वैसे भी करते थोड़ी अपन, या करके भी लाए तो क्लास में वापस करवाना ही पड़ता है, ठीक है। कोशिश करेंगे क्लास में ही सॉल्व करें। अप्रोक्सीमेटली 25 to 28 डेज लगेंगे हमको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, यानी जुलाई पूरा हमारा ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। और लिखना है आप लोगों को, मालूम है डेफिनेशन वगैरह, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। फाउंडेशन के अंदर जो इकोनॉमिक्स था वो ऑब्जेक्टिव था, तो ये सब्जेक्टिव है। लेकिन एक चीज अच्छी है,
कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आप पेपर पैटर्न निकाल के देखो, पेज नंबर लास्ट में पेपर पैटर्न दिया हुआ है, पेपर पैटर्न इन द सेंस पेपर ही दिए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन 2-3 मार्क से ज्यादा का थ्योरेटिकल नहीं आ रहा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 या 3 मार्क का आ रहा है, कुछ ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो 5 मार्क के लिए एक ही क्वेश्चन आता है, 5 मार्क का एक ही क्वेश्चन आता है और वो भी प्रैक्टिकल रहता है, प्रॉब्लम रहता है जिसको सॉल्व करना पड़ता है, बहुत आसान रहता है। तो ये अच्छी बात है कि हमको बड़े बड़े पॉइंट्स ज्यादा नहीं लिखने हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, किसी भी चीज के फीचर्स लिखने हैं, तो आपको पूरे 50-100 फीचर याद नहीं करने हैं, या यहाँ पे बुक में तो आपको मैंने कम से कम 10-10 डाले हैं, आपको सिर्फ 2-3 भी आप याद करो तो आपका काम हो जाएगा, 2-3 मैक्सिमम 4, पूरा इतना लंबा आपको याद करने की जरूरत नहीं, याद करने की ध्यान में समझने रखिए जरूरत नहीं पड़े, हम तो क्लास में पूरा ही पढ़ेंगे, लेकिन आप उसमें से जो आपकी इच्छा है 3-4 अच्छे अच्छे पॉइंट देख लो और अपने ध्यान में रख लो और एग्जाम में लिख सकते हैं आप। दैट मीन्स इतना लंबा अपने को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं आ रहा उतने मार्क का। आई बात समझे, 2 या 3, 2 मार्क के लिए मैक्सिमम 4 पॉइंट लिखोगे, 3 मार्क के लिए मैक्सिमम 5 पॉइंट लिखोगे, और क्या करोगे, यस और नो? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। चलिए तो स्टार्ट करें, कोई और डाउट है? हाँ, डाउट रिलेटेड कोई भी डाउट रहे पढ़ाते पढ़ाते तो बिंदास पूछ लेना, मालूम होगा जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं पहले, मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूँ, डाउट कितना भी पूछ लो, ट्रीट मी एज योर एल्डर ब्रदर। कोई भी डाउट रहे क्लास में पूछ लो, उसके बाद भी नहीं सर हमको तो ऐसा अजीब लग रहा, तो एक काम करो क्लास जैसी कंप्लीट होती है उसके बाद पूछ लेना, और उसके बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं क्या सर क्या सोचेंगे, बाजू वाली क्या सोचेंगी, तो वही शर्मा सर जैसे बोलते चिट्ठी लिख के रख देना, आई विल क्लियर योर डाउट्स, ठीक है? लेकिन कोशिश करो रोज का रोज डाउट पूछ लो, मतलब जो रोज पढ़ा रहे हैं उसका रोज डाउट पूछ लो। 40 मार्क्स आपका सिलेबस है मालूम है आप लोगों को, सब चैप्टर्स को इक्वल वेटेज है, ये जो 4 चैप्टर्स है ना 1, 2, 3, 4, ये सबको इक्वल वेटेज है, यानी सब 10-10 मार्क्स के हैं। थोड़ा सा ऑप्शन आते हैं, इंटरनल ऑप्शन भी है और टोटल फुल ऑप्शन भी है, ठीक है, डिपेंड करता है, लेकिन हर क्वेश्चन में हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा डाल के रखा है। दैट मीन्स यू कैन नॉट स्किप एनी चैप्टर या एनी यूनिट कि भैया इसमें से नहीं आएगा या ये छोड़ के जाएंगे तो हम बच जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, छोड़ने वाला हिसाब कुछ भी नहीं है। तो शैल वी स्टार्ट, कोई डाउट नहीं? चलिए, इतने ही रहते क्या कि लेट आते? 7:30 तक आते रहते, नॉर्मल है, मतलब ऐसा रोज होता है ना? चलो तो अच्छी बात है, हर क्लास में होता है, क्लास 7 बजे की है, लेकिन हाँ ध्यान में रखना। क्यों हितेश, क्लास 7 बजे की बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं। चैप्टर नंबर 1, डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल चैप्टर, ठीक है यहीं पे दिखा देता हूँ। अच्छा, ये चैप्टर जो है दोस्तों 2 यूनिट में है आपका, 2 यूनिट्स में बायफर्गेटेड है। पहला यूनिट है आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड सेकेंड यूनिट इज केन्जियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। केन्जियन थ्योरी ऑफ, और इसको तो हम बाद में देखेंगे, केन्जियन थ्योरी को 2 दिन बाद 2 या 3 दिन बाद आएगा, आज हम बात करेंगे बेसिक्स की, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इस यूनिट के अंदर नेशनल इनकम के बारे में लिखा है, जीडीपी के बारे में लिखा है, जीडीपी के कितने तरीके, जो 8 तरह का रहता है जीडीपी, जीडीपी, जीएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, बहुत एनडीपी, एनएनपी, ये सब चीजें हमको पढ़नी है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 2 या 3 मार्क का डेफिनेटली आता है, तो हमको उसको अच्छे से क्लास में ही समझना है। एंड लास्ट, मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, ये सारी चीजें यहां पे है। तो कुछ लोगों को मालूम होगा, कोई बात नहीं, ध्यान से फिर से सुन लो, नहीं मालूम है तो और अच्छी बात है, और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो दिमाग में कुछ कचरा है नहीं ना, तो पूरा नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर फिर से लोडूंगा, आपको पहले इरेज करना पड़ेगा फिर लोड करना पड़ेगा, ठीक है? तो जो भी डाउट्स है वो सब यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो नेशनल इनकम होता क्या है वैसे? एग्रीगेट इनकम किसकी? मेरी, सारे इंडिविजुअल्स की, और बस कौन से सेक्टर्स होते हैं हमारे इकोनॉमी में? 3 सेक्टर रहते हैं हमारे इकोनॉमी में, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्टर रहता है, सेकेंडरी सेक्टर रहता है और टर्शरी रहता है। प्राइमरी मतलब कौन हो गए? एग्रीकल्चर वाले। सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री वगैरह वाले, और टर्शरी मतलब सर्विस वाले। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग ये माइक्रो है कि मैक्रो है? पक्का ना? तो हम जो ये पढ़ने वाले ना, ज्यादातर इकोनॉमिक्स पूरा मैक्रो ही है, 1-2 चीज के अंदर माइक्रो पार्ट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ज्यादातर इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा किस चीज में डील करता है? एग्रीगेट्स में।
एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। जब मैं बोलूं किसी पर्टिकुलर सेक्टर की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं एमआरएफ कंपनी की बात करता हूं तो माइक्रो हुआ कि मैक्रो हुआ? मैं पूरे टायर इंडस्ट्री की बात करूं तो हो सकता नहीं है, पूरे टायर इंडस्ट्री की भी बात करूं तो वो माइक्रो है, और जब मैं पूरे इंडस्ट्री सेक्टर की बात करूं तो मैं मैक्रो बात कर रहा हूं। आई बात समझे? टायर इंडस्ट्री एक बहुत, अपने इंडिया में एक इंडस्ट्री है क्या? टायर जैसी हजारों इंडस्ट्रीज है अलग अलग, तो वो इंडस्ट्रीज की जब टोटल मारेंगे पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तब वो एग्रीगेट निकलेगा। कौन से सेक्टर का? आपका सेकेंडरी सेक्टर का। एग्रीकल्चर की भी बात करेंगे तो पूरा जब तक एग्रीगेट जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं सबकी टोटल नहीं मारेंगे तब तक टोटल नहीं निकल के आएगा फ्रॉम दैट सेक्टर। वैसे ही सर्विस में भी बहुत सारे तरह की सर्विस इंडस्ट्रीज है, इंश्योरेंस सर्विस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस है, लीगल सर्विसेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब तक सबकी टोटल नहीं मारेंगे तब तक मैक्रो पार्ट निकल के नहीं आएंगे। तो समझ आया मैक्रो मतलब? मैक्रो इज व्हाट? एग्रीगेट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, समझ आया एग्जांपल टायर वाला? ठीक है, एमआरएफ भी हो गया चाहे पूरे टायर इंडस्ट्री भी हो गई तो क्या है वो? माइक्रो। मैक्रो क्या होगा? जब हर तरह की इंडस्ट्री उसके अंदर आ जाएंगी, एग्रीगेट पूरा सब कुछ। ठीक है, जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं हमारे कंट्री में, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड में हम प्रोडक्ट वाइज बाइफरकेट थोड़ी करते हैं, हम तो एग्रीगेट डिमांड ऑफ व्हाट? एग्रीगेट डिमांड ऑफ एवरीथिंग। जीडीपी क्या है आपका? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी? वो तो फुल फॉर्म है बेटा, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन आई एम आस्किंग? और बस इतना ही, हिंदी में ऐसा ही बोलते हैं, एकदम सही। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। अब आप एक भी वर्ड इधर उधर कर दोगे तो डेफिनेशन बदल जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि भैया गुड्स और सर्विस इसके क्या निकालना है? क्वांटिटी नहीं, वैल्यू। वैल्यू इज वॉट? क्वांटिटी इंटू प्राइस। वैल्यू का मतलब क्या होता है? उसकी कीमत। क्वांटिटी इंटू प्राइस, जो भी करंट प्राइस इंडेक्स चल रहा है उस हिसाब से गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन वेयर? इन इन अवर कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री में प्रोड्यूस होते बोलते हैं कुछ, जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं क्या वो हमारे जीडीपी में गुड्स सर्विस जुड़ेंगे? जो हम इंपोर्ट करते ना, हम इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हमारा इंडिया, जुड़ेंगे? नहीं। और जो हम एक्सपोर्ट करते वो क्यों जुड़ेंगे? वो तो वहां चले जाते ना, पर बने तो यहां पे है ना। समझ आ गई बात? सिंपल, इससे आसान और कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ है, वी आर इंटरेस्टेड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट, लाइक एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल लेवल ऑफ प्राइस। ये जनरल लेवल प्राइस क्या होता? व्हाट इज जनरल लेवल ऑफ प्राइस? एक वर्ड सुना होगा आपने, महंगाई, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या? हाँ, इन्फ्लेशन को हिंदी में महंगाई बोलते। जब मैं पूछू इन्फ्लेशन को बेटा हिंदी में क्या बोलते, तब बोलना महंगाई बोलते। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज द लेवल ऑफ प्राइसेस। ठीक है, लेकिन कौन सी चीज को पकड़ते हैं, किस चीज का देखते हैं? कंज्यूमर की बास्केट। कंज्यूमर बास्केट का मतलब होता है जब भी आप मान लीजिए एक शॉपिंग मॉल में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, आपकी बास्केट आप लेके चलते हो, वो बास्केट में क्या क्या कमोडिटी रह सकते हैं? एक आम आदमी के, खास आदमी के नहीं, आम आदमी की बास्केट में कार रहती क्या? नहीं। तो क्या रहती? टू व्हीलर रहेंगी। टू व्हीलर में क्या डालाता है? पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल रह सकता है। खाने के लिए क्या क्या रह सकता है? दाल, चावल, गेहूं और सब्जी वगैरह, जो जो चीजें, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। ऐसी 30 कमोडिटीज को हमारे गवर्नमेंट या स्टैटिस्टिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किया है, और इनके प्राइजेस जब कम ज्यादा होते हैं तब हमारा इन्फ्लेशन कम ज्यादा होता है। ये बोलते हैं ना इन्फ्लेशन, इस साल महंगाई इधर बढ़ गई, ये हो गया, ये कहां से आता है? ये वो 30 कमोडिटीज को पकड़ते हैं, उसका वेटेड एवरेज निकालते हैं, और उसके बाद हमारा इन्फ्लेशन एक फिक्स स्टैटिस्टिक, बहुत सारे उनके कैलकुलेशंस हैं, अगर उन कमोडिटीज के प्राइस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उन कमोडिटीज के प्राइस कम होंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा। इसलिए बोलते हैं जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, दैट मींस ब्रैकेट में लिख लो वहां पे, उसको इन्फ्लेशन बोल रहे। जब खुद से पढ़ोगे तो ध्यान आए नहीं आए, ब्रैकेट में लिख लीजिए इन्फ्लेशन। टोटल कंजम्पशन क्या होता है दोस्तों? भैया जो भी डिमांड रहती है आफ्टर ऑल उसका हम कंज्यूम करते हैं, या जो हमारी इनकम होती है। इनकम का हम करते क्या है? आइदर वी कंज्यूम और वी सेव। ठीक है ना, आपने कभी तो भी पढ़ा होगा y इक्वल्स टू c प्लस एस।
अब सर ये वाई क्या होता है, वाई होता है टोटल इनकम, ठीक है, वाई होता है टोटल इनकम। ये इनकम का मैं या तो कंजम्पशन करूंगा या दोस्तों इसको सेव करूंगा, और सेव करने के बाद मैं कुछ तो भी करता हूं, उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। आइदर आई विल डू कंजम्पशन और आई विल सेव, इस दो के अलावा कुछ कर सकते क्या हम इनकम का? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और लास्ट से देखो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी आ गया वहां पे, सेविंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इन एग्रीगेट्स में इंटरेस्टेड है, एज देयर आर अकाउंटिंग कन्वेंशन फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, सिमिलरली देयर आर कन्वेंशन फॉर मेजरिंग एंड एनालाइजिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द नेशन। ये सारी चीजें अगर बराबर रहेंगी तो हमारा नेशन बराबर परफॉर्म कर रहा है, और यहां अगर गड़बड़ है तो इसका मतलब कहीं तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग पायनियर्ड बाय नोबल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट साइमन कज़निट्ज़ एंड रिचर्ड स्टोन इज वन ऑफ सच मेजर। चलो ये तो काम के नहीं है। हाँ, अब डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, कौन सी डेफिनेशन लिखोगे एग्जाम में? जो भी आपकी इच्छा हो लिख सकते हो। अगर स्पेसिफिकली ऐसा पूछा है दोस्तों कि एज पर सीएसओ लिखना है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वही लिखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। और अगर ऐसा कुछ बोला नहीं है तो यू कैन राइट बोथ द डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन आपके मॉड्यूल से ही उठाइए। क्योंकि क्या होता है, मॉड्यूल एक इंस्टीट्यूट की एक आदत है, इंस्टीट्यूट की क्या सब सब हर जगह की एक आदत है, जब भी पेपर चेक करता है ना तो इंसान चेक करता है, कंप्यूटर तो करता नहीं है। अब वो होता क्या है, उसके हाथ में एक मेमोरेंडम ऑफ आंसर्स रहते हैं, और वो मेमोरेंडम ऑफ आंसर्स जो बनाते हैं वो मॉड्यूल से बनाते हैं, जो आपके मॉड्यूल में वर्डिंग्स यूज की गई है। अभी आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे ITSM नाम का, ESISM जो भी है, परेशानी होती है बहुत, दिमाग को तकलीफ देना पड़ता है उस सब्जेक्ट में। हुई परेशानी अभी तक? नहीं हुई तो आगे हो जाएंगी, ऐसे कोई बात नहीं है, रिकॉर्ड है, कोई भी पढ़ा दे, चाहे भगवान आके पढ़ा दे, वो सब्जेक्ट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसी है उसके अंदर कि हम समझने की कोशिश करते हैं पर समझ में आता नहीं है, हम समझने की कोशिश, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से हम बहुत फेमिलियर नहीं है। देखिए कोई भी चीज को समझना पता है कब आसान रहता है, जब हम उसको पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमको वो चीज दिखती है तो उसको समझने में बड़ा मजा आता है। जैसे जितना भी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले, आपको क्या लगता है थ्योरेटिकल पार्ट है, ये पूरा प्रैक्टिकल है, टोटल प्रैक्टिकल, एक एक चीज का आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके ऊपर लगा के दिखा दूंगा, ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर बराबर है। अब वो आईटी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोई कहां से लाएंगा, मतलब लाते भी है लेकिन वो हम उससे फेमिलियर नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि जो वर्ड्स मॉड्यूल में लिखे हुए हैं, जो टर्मिनोलॉजी मॉड्यूल में यूज हुई है, अगर आप वो लिखते हो या नोट्स में आपके जो लिखा है वो लिखते हो तो बराबर मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आपने अगर अपने मन से ज्यादा डाल दिया तो फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो देखा हुआ है मेरा अच्छे से, ठीक है, हमारे टाइम भी ये सब्जेक्ट था, फाइनल में तो ये और बड़े लेवल पे आता है इसका नाम से, अब शायद हटा है, मैंने सुना हट गया या और उसके जगह ऑप्शनल आ गया, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना, तो किस्मत वाले हो आप लोग, फाइनल में जाओगे तो अच्छा है। खैर एग्जाम देने तक इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकते हैं, आजकल वापस भी लाते, ऐसा कुछ भी हो सकता है एग्जाम देने तक, यू कैन नॉट थिंक दैट कि भैया नहीं एक बार हट गया मतलब हट गया। तो यानी बहुत ही टिपिकल है, वैसे ही मॉड्यूल की डेफिनेशन, मॉड्यूल की लैंग्वेज अगर आप लिखते हो तो उसमें मार्क्स मिलते हैं। इसलिए मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं मैं साथ में हर पॉइंट पे ये बताऊंगा कि अगर ये एग्जाम में आता है तो भैया क्या करना है, आपको कितना लिखना है, ये हर टॉपिक के साथ मैं आपको बताते चलूंगा, तो उस वक्त जरा ध्यान लगा के सुन लेना, ठीक है ना। उसके बाद भी ध्यान नहीं आया तो कभी भी मेरे से पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो फिर पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, लिखना इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। अभी समझ में आना भी इंपॉर्टेंट है, लिखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स ही नहीं मिलेंगे तो फिर क्या करोगे, यस और नो? तो इसीलिए आप साथ में ध्यान रखो जो जो मैं बता रहा हूं वो, जैसे आपको मार्क करना है लिखना है आप कैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन बने तक मेरी बात मानो, वर्डिंग्स यही यूज करो, एटलीस्ट हेडिंग तो भी यही यूज करो, क्योंकि कई बार पूरा पढ़ते नहीं है पेपर, हेडिंग देख के, हेडिंग अगर सही रहे तो मार्क्स मिल जाते हैं पूरे में से पूरे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, ठीक है। तो इसमें ये स्कोरिंग है, FM तो स्कोरिंग है ही, लेकिन FM में क्या होता है कई बार प्रॉब्लम अगर आड़े टेढ़े आ गए तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये अभी नया नया है, इंस्टीट्यूट को उतना समझता नहीं कि प्रॉब्लम कैसे पूछना, एक ही प्रॉब्लम उन्होंने बहुत लेवल का पूछा था तीनों एग्जाम में, बाकी सब एक तीनों एग्जाम मिला के मतलब एक ही प्रॉब्लम आज तक आया है जो थोड़े अलग लेवल का आया है, बाकी तो सब प्रॉब्लम एकदम चिल्लर आते हैं इसके अंदर से। यानी स्कोरिंग करना बहुत आसान है, बहुत यानी बहुत आसान है, दैट मीन्स आप इसमें अच्छे मार्क्स ले लो ताकि 60 के ऊपर आपके FM इको में आ जाए तो बाकी सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प मिलेंगी, ठीक है ना। मालूम है ना 50 से ज्यादा मिलते तो एग्रीगेट में काम आते हैं मार्क्स, कि नहीं पता? पता है ना। चलिए डेफिनेशन पे आते हैं नेशनल इनकम की। इट इज डिफाइंड एज
नेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, नेट वर्ड लिखा है, मतलब कुछ तो भी माइनस करके ही आया होगा। देखिए ग्रॉस में से नेट, ग्रॉस में से कुछ तो भी माइनस करते तो नेट आता, बराबर है ना? सुना होगा ना अकाउंट्स में भी ग्रॉस प्रॉफिट आता पहले, फिर इधर इधर लेते हैं, ऐसा करते ना अकाउंट्स में कुछ तो भी, फिर कुछ तो भी और माइनस करते इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिर अपना नेट निकल के आता है। वैसे कुछ तो भी माइनस करना है, चलो ठीक है। ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बहुत छोटी चीज नहीं है, थोड़ी बड़ी चीज है यहाँ पे, तो इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करो, थोड़ी देर के लिए आने एक घंटे के लिए, ज्यादा नहीं, अभी मत पूछना क्या होता है, डिटेल बताऊंगा। और एक चीज और लिखा है इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, नॉन इकोनॉमिक नहीं लिखा है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में क्या फर्क है? फाउंडेशन में सीखा होगा, मैं पढ़ा रहा हूं कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, मैं घर पे किसी को पढ़ाऊं मेरे बच्ची को तो वो नॉन इकोनॉमिक, तो हमको कौन सी लेनी है? सिर्फ इकोनॉमिक लेनी है, नॉन इकोनॉमिक नहीं लेना है, सीधी सी बात है, नॉन इकोनॉमिक लेके क्या करेंगे, है ना? चलिए और एक डेफिनेशन दी हुई है सीएसओ की, इट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले क्या मिलता? रेंट। लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और कौन सा बच गया? एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ये मालूम है सबको? एवरीबॉडी? ठीक है। जनरेटेड, अच्छा आगे लिखा भी है, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री। यानी अगर हमारे यहां रेसिडेंट नहीं है तो उसको नेशनल इनकम में नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है, सही बोल रहा है शायद, बताते हैं आगे। इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, अब आगे क्लियर हो जाएगा। पहले ये बताओ ये सब हम जो नेशनल इनकम निकालते हैं इसका कुछ फायदा है कि नहीं है? क्या मिलता है नेशनल इनकम निकाल के? पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि भैया क्या तकलीफ है, क्या है पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, और आगे और कुछ काम है इसका, है ना? बहुत सारे लिखे, देखो ये देखो इतने सारे दिखे, अरे बाप रे, नौ नौ है, कुछ तो काम होगा ही, तभी लिखा है, सही बात है ना? सबसे पहला है परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी मेजर करने के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्चुअल एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द शॉर्ट रन परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। लेवल ऑफ नेशनल इंडिकेट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। जितनी ज्यादा नेशनल इनकम रहेंगी उतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, नंबर वन, एंड नंबर टू उतनी ज्यादा डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस रहेंगी। सिंपल सी बात है, अगर आपके जेब में पैसे रहेंगे तो ही आप गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करोगे, अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो आप गुड्स सर्विस की डिमांड कर ही नहीं सकते। यस और नो? मनी है तो हनी है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ नेशनल इनकम डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या होता है दोस्तों? ऐसे बांटना थोड़ी पड़ता है। सेक्टर वाइज इनकम, सेक्टोरियल ट्रांसफॉर्मेशन नाम की एक चीज सुनी होगी कभी तो भी। सेक्टर कितने सेक्टर है? वही तीन सेक्टर है। अगर इकोनॉमिक, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ तो अपने आप होता है, डेवलपमेंट करना पड़ता है। अगर हमारा जो डिपेंडेंस है कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम प्राइमरी से सेकेंडरी एंड सेकेंडरी से टर्शरी पे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 70% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड नाउ 52% कॉन्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम टर्शरी सेक्टर, यानी आधे से ज्यादा, ठीक है। तो ये साइन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो यहां पे वही लिखा है कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इसके अंदर एक चीज और आती है, हमारे यहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है हमारे कंट्री में। अगर अनइक्वल रहेंगी, अनइक्वल मतलब किसी के पास तो कुछ भी नहीं है और जिसके पास है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे अगर सिचुएशन रहती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है? नहीं होता, क्योंकि जिसके पास है वो एक लिमिट तक खर्चा करेगा ना, और जिसके पास नहीं है वो खर्चा ही नहीं कर पा रहा, तो इकोनॉमी की विशेष साइकिल कैसे घूमेंगे? इसीलिए बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज मच इंपॉर्टेंट, ताकि सबके हाथ में पैसा रहे, हर आदमी गुड्स कंज्यूम करे तो इकोनॉमी अच्छे से रोटेट होंगे। दैट्स वाई इन अवर कंट्री जीएसटी के रेट्स डिफरेंट है, 5% भी है, 0% भी है, 28% भी है, 40% भी है, और सिंगापुर जैसे कंट्री में एक ही जीएसटी का रेट है 5%। हमारे कई मिनिस्टर बोलते हैं एक ही रेट लगा दो, हाउ इज इट पॉसिबल? मर्सिडीज पे भी 5% रहे हैं और फूड ग्रेन्स पे भी अगर 5 लगा है तो इट इज अनफेयर ना, यस और नो? तो क्यों? क्योंकि हमारे यहां अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ठीक है।
इकोनॉमिक वेलफेयर डिपेंड्स टू द कंसिडरेबल एक्सटेंट ऑन मैग्नीट्यूड साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड इट इज ग्रोथ ओवर द टाइम. पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ा होगा, टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, वो आता है आपका पर कैपिटा इनकम, यानी एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी है. लेकिन क्या ये सही डेटा है? ये सही क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमारे यहाँ पे हाईली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ठीक है, इसीलिए ये डेटा कभी सही नहीं आता. एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम शो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, पीरियोडिकल वेरिएशन इन दैम एंड ब्रॉड सेक्टोरियल शिफ्ट दैट इज चेंजेस इन इकोनॉमी ओवर द टाइम. सेक्टोरियल शिफ्ट मतलब वही प्राइमरी से सेकेंडरी एंड अगेन सेकेंडरी से टर्शियरी की बात करते हैं हम लोग. बिकॉज ऑफ दीज एस्टिमेट्स इट इज पॉसिबल टू मेक कंपेरिजन ऑफ ट्रेंड एंड स्पीड ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट. By using this information, government can fix various targets for different sectors of the economy and formulate development plans and policies suitable to increase the growth rate. ये आपने बोला था ना formulation के लिए. National income statistics provide a quantitative base for macroeconomic modeling and analysis, choosing economic policies, evaluation of government policies. सही बात है. आपने government ने अगर कोई policy implement करी है कोई particular चीज के लिए तो वो चीज हुई कि नहीं ये evaluation के बाद ही पता चलेगा ना. फॉर एग्जाम्पल अब ये ब्लैक मनी बहुत निकाल रहे हैं, ब्लैक मनी निकाल के करेंगे क्या? करप्शन कम हो जाएगा ब्लैक मनी निकालने से? कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया. तो करप्शन तो हट नहीं सकता, उसको तो दिमाग से उसकी सोचना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. तो करप्शन के बारे में तो इंडिया ने सोचना ही नहीं चाहिए क्योंकि करप्शन हट ही नहीं सकता. मैंने आपको बताया था शायद चाइना में करप्शन हटाने के लिए एक डेलीगेशन गया था. चाइना में एक डेलीगेशन आया था करप्शन हटाने के लिए. उन्होंने 5 साल पूरी चाइना की स्टडी करी और वहां से काफी हद तक उन्होंने करप्शन हटा दिया. वही डेलीगेशन इंडिया में बुलाया गया, 5-6 साल बढ़िया स्टडी करे उन लोगों ने और रिपोर्ट लिख के चले गए, भैया करप्शन कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम दिस कंट्री. एक पेज की रिपोर्ट बना के दे दिए, नहीं होगा भैया तुम कुछ भी कर लो. सिंपल, क्योंकि यहां पे नीचे से लेके ऊपर तक सब जगह प्रॉब्लम है. ठीक है, चलो वो बातें नहीं करेंगे हम कहां थे करप्शन के पहले? कहां थे? यहां पे थे. हाँ, तो ये फॉर्मुलेट डेवलपमेंट प्लान पॉलिसी ये सब जो करते गवर्नमेंट पॉलिसी का इवेल्युएशन की बात करते हैं. अभी आप लोगों ने जैसे बोला भैया ब्लैक मनी की बात आपने किया, ठीक है, तो ये ब्लैक मनी निकालने का अभी गवर्नमेंट बहुत चला रही ब्लैक मनी निकालने, तो इससे होगा क्या? ब्लैक मनी निकालने से होगा क्या? सही जगह यूज होगा. और अभी मतलब ब्लैक मनी सही जगह यूज नहीं होती. पहले एक चीज बताओ, क्या इंडिया में ब्लैक मनी है? मैं बोलता एक भी रुपया नहीं है. हाँ नहीं, बाहर तो पड़ा है वो तो डेफिनेटली ब्लैक मनी है, लेकिन गवर्नमेंट बाहर का पैसा ला रही है कि आप लोग मतलब आप जैसे अमीर लोगों से निकाल रही है? हाँ, आपने कहा छुपा है? अपने घर में आपने आप अच्छा आप जैसे लोगों ने कहा छुपा है ब्लैक मनी? है ही नहीं. तो आप देखो एक के पास भी ब्लैक मनी नहीं, आप खुद ही बोल रहे हैं. तो फिर गवर्नमेंट जो बोल रही है इनकम टैक्स की रेट्स इतना सब कुछ हो रहा है, रिटर्न भरो, स्क्रूटनी, ये सब जो हो रहा है, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे बहुत नाटक हुआ था, तो क्या ब्लैक मनी थी वो? अभी आप बोल रहे कि ब्लैक मनी नहीं है हमारे पास और आप बोलते इंडिया में ब्लैक मनी है. हाँ नहीं, अच्छा इंडिया में है पक्का? चलो सोच बदल देता हूं आप लोगों की थोड़ी, 10 मिनट दोगे? ध्यान से सुनना. चलिए मान लीजिए आप आपके पास 1 लाख रुपए ब्लैक मनी है, जस्ट इमेजिन, और आपको फ्लाइट से कहीं जाना है या कोई कई जगह घूमने जाना है, आपको 1-2 लाख रुपए आपके पास है, ब्लैक मनी है, आपको आपके व्हाइट पैसे यूज नहीं करना है, आप क्या करोगे? कहीं भी आपको घूमने जाना है, 1 लाख खर्चा करना है, व्हाट विल यू डू? हाँ, स्पेंड करेंगे, कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? व्हाट इज ब्लैक मनी? बेसिकली अनटैक्स्ड इनकम. सिंपल भाषा में बोले तो अनटैक्स्ड इनकम, जिसपे टैक्स नहीं लगा हुआ, बराबर है? मैं बोलता हूं इंडिया में ऐसी एक भी इनकम नहीं जिसपे टैक्स नहीं लगा है. कैसे? सुन लो, अब आप वो 1 लाख रुपए का क्या करोगे? थिंक प्रैक्टिकली. टिकट बुक करोगे फ्लाइट की, 25-30 हजार फ्लाइट की टिकट के लगेंगे. क्या उस फ्लाइट की टिकट पे गवर्नमेंट को जीएसटी मिला? क्या उस फ्लाइट की टिकट पे सर्विस, जिसने टूर ऑपरेटर ने आपको सर्विस प्रोवाइड करी, उसने भी जीएसटी लगाया?
आपने वो पैसे एयरलाइंस को दिए, एयरलाइंस कंपनी ने अपने बैलेंस शीट में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो इनकम शो करी, क्या उस पर गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स भी मिला? अरे आपने 30,000 एयरलाइन कंपनी को दिए तो वो तो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे हमारी इनकम 30,000, और वो इनकम पे डायरेक्ट टैक्स देंगे कि नहीं देंगे? तो वो जो मनी आप बोल रहे ब्लैक है वो तो इमीडिएटली किसी के अकाउंट में चली गई और गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया। डायरेक्ट टैक्स मिला ना इंडिगो, आपने इंडिगो की फ्लाइट अगर बुक की तो डायरेक्ट टैक्स देगा ना इंडिगो वाला? टैक्स गया कि नहीं गवर्नमेंट को पहले ये बताओ। अरे सुनो तो सही, इंडिविजुअल ने नहीं दिया लेकिन किसी और ने तो दिया ना। दैट मींस आई कैन से अ स्टेटमेंट, इन इंडिया टैक्स कैन बी डिलेड बट इट कैन नॉट बी डिनाइड। आई रिपीट, इन इंडिया टैक्स कैन बी डिलेड, एक साल दो साल देर हो सकती है बट मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोलते ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, वो वाली बात है। इट कैन बी डिलेड, एक साल नहीं मिला दूसरे साल मिल जाएगा, बट इट कैन नॉट बी डिनाइड बिकॉज ऑफ हैवी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन अवर कंट्री। अरे भाई जीएसटी लग गया अब तो, एक जगह से एस्केप होगा तो जीएसटी के अंडर तो आ ही जाएगा, सब कुछ को जीएसटी के अंडर डाला ही है। तो जीएसटी के अंदर अगर आ गया तो बुक्स ऑफ, आप तो टैक्स के स्टूडेंट हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और इफ बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने शो किया तो ऑब्वियसली उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्सेशन पे करना है आपको, हा कि ना? सिंपल सी बात है। ऐसे ट्रांजेक्शन दिन भर इकोनॉमी में चलते रहते कि नहीं चलते रहते? दिन भर चलते रहते हैं। और कई बार हम लोग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, हमको मान लीजिए 2 लाख खर्चा करना है तो हम 5 लाख निकालते, ओवर एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, ऐसा भी होता है, जबरदस्ती ज्यादा के बिल लेना, ये सब भी इंडियन इकोनॉमी में चलता है। यानी खर्चा किया 2 लाख और दिखाया कि 5 का खर्चा किया, तो बचे 3 लाख मेरे जेब में है, ये क्या हुआ? ये अगेन मेरी ब्लैक मनी आप लोगों की भाषा में। यस और नो? मतलब अकाउंट में पैसे पड़े थे, मैंने उसको विड्रॉ कर लिया और मैंने दिखाया कि मैंने 5 लाख खर्चा किया, लेकिन मैंने 5 खर्चा किया ही नहीं है, मैंने 2 ही लाख खर्चा किया, बचे 3 तो मेरे जेब में अभी भी पड़े हैं। अगेन ब्लैक मनी। ये दिन भर कन्वर्जन चलता रहता कि नहीं चलता? दिन भर एन नंबर ऑफ न्यूमरस ट्रांजेक्शन हमारे इकोनॉमी में इस टाइप के होते हैं। तो भैया इसको ब्लैक मनी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पैरेलल इकोनॉमी। इट इज द पैरेलल इकोनॉमी एंड दिस मनी इज बीइंग यूज्ड। भाई आपने बिल्डिंग खरीदी, वो बिल्डिंग में किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने, आपके हिसाब भाषा में ब्लैक मनी दी, वो अपने लेबर्स को बांटेगा, वो लेबर क्या करेंगे? जरूरत की चीजें खरीदेंगे। जरूरत की चीजें खरीदने के बाद क्या होगा? गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगर एक बार जीएसटी का बिल बन गया तो डायरेक्ट टैक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिंपल सी बात, मिलेगा ना? बुक्स ऑफ अकाउंट में आ गया, आपको जितना सेल जीएसटी में दिखाना पड़ेगा उतना ही सेल आपको गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिखाना पड़ेगा ना? अगर आपने फर्क कर दिया इसका मतलब आप चोरी कर रहे हो, वो तो पता चल ही जाएगा ना? यस और नो? आजकल तो कंप्यूटर पैन और जीएसटी नंबर लिंक्ड है ना आपका, यस और नो? तो इसीलिए एस्केप, असेसमेंट एस्केप होना तो पॉसिबल ही नहीं है अभी कि कोई इनकम अनटैक्स रह जाए। ब्लैक मनी उसको बोलते हैं दोस्तों कि जो पैसा परमानेंटली कंट्री के बाहर है और वो कंट्री में नहीं आ रहा, एंड दैट इज गॉन आउट ऑफ इंडिया एंड दैट मनी इज नॉट बीइंग यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ये जो ब्लैक मनी जो इंडिया में पड़ा है लोगों के पास 1 लाख 2 लाख, ये तो वो घर पे सजा के तो रखेंगे नहीं ना, 10-20-25 करोड़ कहीं ना कहीं तो लगाएंगे ना, तो कहां लगाते? इकोनॉमी में ही घूमेगा ना पैसा, किसी की इनकम होगी, किसी का एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा, यस और नो? बट जो वहां पे मनी है, मान लीजिए कोई ये डील होती है, डिफेंस की डील होती है, डील है 50,000 करोड़ रुपए की, और सही में रियल में देखा जाए तो वो 20,000 करोड़ की प्लेन है, जस्ट इमेजिन। तो होगा क्या? गवर्नमेंट ट्रेजरी से पेमेंट जाएगा 50,000 करोड़ रुपए का, और बिल भी आएगा 50,000 करोड़ का, बस रियल में कितने रुपए के टर्म सप्लाई हुए? 20,000 करोड़ के। बचे 30,000 करोड़ कहां जाएंगे? स्विस बैंक अकाउंट में, जो डील कर रहा है। बराबर है? पैसा गया कहां से? इंडिया से। अब ये जो 50,000 करोड़ चला गया, जो जाना सिर्फ 20,000 करोड़ चाहिए था, जो 50,000 वहां जाके डिपॉजिट हो गया, दिस इज द रियल ब्लैक मनी विच हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और जो इंडिया के डेवलपमेंट के काम में नहीं आ रही। ये जो इंडिविजुअल्स के पास पैसा है, दिस इज नॉट द ब्लैक मनी, इट इज अ पैरेलल इकोनॉमी मेरे हिसाब से। आप लोग, आपकी इच्छा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी यही सोचना था, इसलिए 10 साल जब वो इकोनॉमी चला रहे थे तब बराबर चल रही थी इकोनॉमी। आप लोग सोचते होंगे आज बराबर चल रही है इकोनॉमी, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्रीगेट फैक्ट्स डेटाज आपको मालूम ही नहीं है।
बहुत सारे ऐसे डेटाज है जो आप लोगों को मालूम ही नहीं, ठीक है। आज बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, रियल में क्रिटिकल कंडीशन है। आज से इलेक्शन के पहले की बात है, आप लोगों ने सुना होगा द गवर्नमेंट डिमांडेड 3.5 लाख करोड़ फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितना? 3,50,000 करोड़, 3.5 करोड़ नहीं, 3,50,000 करोड़ की नोट छापो और हमको दो, प्रिंट द करेंसी। अब बताओ, वैसे ही डॉलर ऊपर जा रहा है, इन्फ्लेशन कंट्री में है, अगर और ऐसे में करेंसी प्रिंट होंगी तो क्या होगा? वैसे ही इंडियन करेंसी की सप्लाई ज्यादा, इसलिए वैल्यू कम हो रही है, बराबर है। किसी चीज की सप्लाई ज्यादा रहती तो प्राइस कम होते हैं, और उसके अंदर आप 3 लाख करोड़ सप्लाई करना चाहते हो, इक्वल रिजर्व है आपके पास डॉलर्स के? नहीं है। कहां है डॉलर्स के रिजर्व अपने पास? उतने रिजर्व कहां है? और वो 3 लाख करोड़ डालने के बाद गवर्नमेंट अपने पास तो नहीं रखेंगी ना, उसको इकोनॉमी में बांटेंगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो उर्जित पटेल रिफ्यूज्ड, नहीं भैया छाप ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो उनको हटा दिया गया। उर्जित पटेल रिजाइंड, आपको शायद मालूम होगा, और उनके जगह नया आया, तो नए वाले ने जो आया उसने दिया होगा कि नहीं दिया होगा? तभी तो उसको बनाया ना, सीधी सी बात, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी इज नॉट जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। डिमोनिटाइजेशन के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में बोला था कि 2% से जीडीपी कम होने ही वाला है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, बराबर जीडीपी 2% से कम हुआ, ठीक है। इंडिया को इसकी जरूरत नहीं थी, और उन्होंने कंट्री को तब चलाया है जब क्रूड के रेट, अपना इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, और सबसे ज्यादा अपना पैसा जाता है डिफेंस में और इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल के अंदर, जो अपना पैसा आउटसाइड जाता है। उस समय क्रूड ऑयल $140 पर बैरल था, तब आपको 80-85 रुपीस में पेट्रोल दे रहे थे यहां पे, बिकॉज गवर्नमेंट वॉज गिविंग सब्सिडीज ऑन दैट। और आज $40 पर बैरल है, यानी $100 कम हो गया है पर बैरल, उसके बाद भी कितने में मिल रहा है? तो कमा कौन रहा? इंडियन कंपनीज। 2 साल पहले पहली बार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का प्रॉफिट रिलायंस इंडस्ट्रीज से ज्यादा था। ऐसी 3 कंपनी गवर्नमेंट के पास, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम। सुना नहीं क्या? तो ये 3 अलग अलग कंपनी, उसमें से मैं सिर्फ इंडियन ऑयल की बात कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू रिपास्ट बैलेंस शीट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्रॉफिट वॉज 29,000 करोड़ रुपीज एनम आफ्टर ऑल एक्सपेंस एंड आफ्टर ऑल टैक्स। लेट मी से, इट इज द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 29,000 करोड़। जो कंपनी लॉसेस में चलती थी वो सब एक साथ प्रॉफिट में आ गई, एंड वाइप ऑफ द ऑल लॉसेस ऑफ पास्ट ईयर्स। पैसा कहीं से तो आया ना, किस से आया? आपकी जेब से आया, और कहां से आया, ठीक है। 15 रुपए पर लीटर प्रॉफिट है पेट्रोल पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को, मालूम है कितने? 15 रुपए। और सेंट्रल गवर्नमेंट को 20 से 25 रुपए, और स्टेट गवर्नमेंट को अलग 20 से 25 रुपए, यानी 20 और 20, 40 और 15, करीब करीब 60 रुपीज प्रॉफिट है सेंट्रल, स्टेट एंड इंडियन कंपनीज को। पेट्रोल कितने में मिल रहा है? 77। तो कॉस्ट कितनी हुई पेट्रोल की? उसमें कुछ ओएनजीसी भी कमाती है रिफाइनरी में 2-3 रुपए, यानी 15 रुपए का पेट्रोल आपको कितने में दे रहे हैं? 77। इट इज द फैक्ट, मालूम होगा कुछ लोगों को ये चीज, ठीक है। लेकिन क्या करे, देना पड़ेगा ना, योजनाएं चलानी है ना बहुत सारी। चलो जाने दो, अपन बाद में देखेंगे बाकी सारी चीजें। विद द हेल्प ऑफ दीज एस्टिमेट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू इनकम अर्नर्स इज ऑल्सो रिवील्ड। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू जीडीपी कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड बिकॉज ऑफ दीज एस्टिमेट। जीडीपी मतलब हमको कितना आ रहा है, हम कितना उसमें से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना हमको टैक्सेशन से आ रहा है, और कितना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, ये कंपेरिजन भी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद वे नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर कंबाइंड विथ फाइनेंशियल एंड मॉनिटरी डेटा। दोस्तों फाइनेंशियल डेटा क्या होता है और मॉनिटरी क्या होता है? फाइनेंशियल, देखो सिंपल से बताऊं तो फाइनेंशियल डेटा यानी हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड डेटा, और मॉनिटरी डेटा की जब मैं बात करूं तो वो आरबीआई से रिलेटेड हो गया, ठीक है। जैसे आपका इंटरेस्ट रेट होता है, बैंक इंटरेस्ट रेट, सीआरआर, एसएलआर, सुना होगा, ये मॉनिटरी डेटा कहलाते हैं, ठीक है। आपकी इंस्टॉलमेंट कम ज्यादा होती है ना, आरबीआई कुछ तो भी करता है, तो पढ़ेंगे हम वैसे 4th चैप्टर में ये चीजें। और जो फाइनेंशियल डेटा है मतलब कितना टैक्स कलेक्शन हुआ गवर्नमेंट को, कितना खर्चा किया, बजट बनता है ना, वो है आपका फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। फाइनेंशियल डेटा बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, एंड मॉनिटरी डेटा इज रिलेटेड टू आरबीआई, रिजर्व बैंक पब्लिशर्स दैट डेटा, या बैंक से रिलेटेड बोल सकते हैं, मॉनिटरी आपकी करेंसी से रिलेटेड बोल सकते हैं, ठीक है। नेशनल इन सॉरी दे गाइड टू मेक पॉलिसी विद ग्रोथ एफ ऑर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। इट इज ऑल्सो नेसेसरी डेटा टू मेक
प्रोजेक्शन अबाउट फ्यूचर डेवलपमेंट ट्रेंड्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये सब तो फालतू, इतने पॉइंट्स लिखने की ऐसे जरूरत नहीं, वैसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा नहीं। अभी हम स्टार्टर पढ़ रहे थे, अब हम मेन कोर्स पे आते हैं, ठीक है। नाउ वी बिगेन विद द मेन कोर्स ऑफ यूनिट 1। नेशनल इनकम तीन साइड्स है, प्रोडक्ट साइड, एक्सपेंडिचर साइड और इनकम साइड। बेसिकली तीन मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर और इनकम को साइड रखते हैं, पहले आते हैं प्रोडक्ट पे, ठीक है। इट बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। ये वैल्यू एडेड माइनस टोटल प्रोडक्शन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकल के वैल्यू एडेड आता है। जीएसटी भी जो आपका कैलकुलेट देना पड़ता है वैल्यू एडिशन पे देना पड़ता है। वैल्यू एडेड समझता आपको क्या होता है ये? जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए में कार बन गई, स्विफ्ट कार 5 लाख रुपए में बन गई, बराबर है। कार की वैल्यू प्रॉफिट जोड़ के 5 लाख रुपए में मारुति सुजुकी ने कार निकाल दी। इसमें टायर अलग चीज है कि एक गाड़ी में कितने टायर होते हैं, 5। 5 टायर की वैल्यू मान लीजिए इसमें से 50,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल। जब मारुति सुजुकी ने 5 लाख में कार बाहर निकाली है तो क्या टायर की वैल्यू उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बराबर है। जब एमआरएफ कंपनी ने टायर्स बनाए होंगे तो उन्होंने भी टायर्स पकड़े होंगे, तो डबल काउंटिंग नहीं हो गई। तो इस डबल काउंटिंग को हटाने के लिए क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ कार माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। व्हाट आर द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, टायर्स हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें जो मारुति सुजुकी खुद नहीं बनाती है, स्टील वगैरह, वो माइनस करेंगे, और जो वैल्यू एडेड उन्होंने किया है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ जीडीपी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। या तो एमआरएफ को बोल दो तुम मत डालो, हम पूरी कार का वैल्यू डालते हैं, लेकिन ऐसे कितने लोगों को बोलोंगे, क्योंकि एक कार में बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, सब अलग अलग रहते हैं। दैट्स वाई हम टोटल वैल्यू जो हमने प्रोडक्ट की वैल्यू है माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम माइनस करते हैं। हम लोग ये देखेंगे आगे। इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। वाइडली रिपोर्टेड मेजर्स, अब ये दो तरह के रहते हैं दोस्तों, जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी इज फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक और नेशनल में एक छोटा सा फर्क है एनएफआई नाम का, ठीक है। वो एनएफआई क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चिंता की बात नहीं। चलिए अब हम ये चीज आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा जीडीपी। डेफिनेशन लिखी हुई है द मेजर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस। देखिए दोस्तों, कभी भी वैल्यू निकालना है ना, वैल्यू मीन्स क्वांटिटी, फाइनल वैल्यू, डेफिनेटली फाइनल वैल्यू, बट वॉट इज इट, क्वांटिटी इंटू प्राइस। कभी भी कोई चीज क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी वैल्यू निकल के आती है। अब दो तरह के जीडीपी के बारे में सुना होगा, रियल और नॉमिनल, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, सुना होगा आप लोगों ने। चलो ठीक है, आगे आने वाला द मेजर, प्लीज ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसके ऊपर 2 या 3 मार्क का आता ही है। 3 मार्क मतलब पूरे कैलकुलेशंस के ऊपर पक्का आता ही है, जनरली आता है, और हमको इतना अच्छे से इसमें फिट होना है कि हम लोग ये 2 मिनट में 3 मार्क ले सके, ठीक है। टाइम कंस्ट्रेंट रहता है एग्जाम में, टाइम अबंडेंट नहीं रहता आपके पास, ये ध्यान में रख लो। द मेजर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस, ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट मींस ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है, डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन, इसलिए तो इसका नाम ग्रॉस है। तो ग्रॉस में से कुछ तो भी माइनस करे तो क्या आता है, नेट। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इट इज कॉल्ड एज नेट, ठीक है। चलो आगे आएंगे वो, प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड से 1 ईयर, ठीक है। जीडीपी एमपी, अब इसको हम एमपी लिखते हैं, एमपी का फुल फॉर्म है दोस्तों मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करी, हमने अभी बोला ना वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको, व्हाट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जब तक आप उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं कर देते, ठीक है, वो ध्यान में रखना। द जीडीपी एमपी इज द टोटल वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इंक्लूड्स वैल्यू एडिशन बाय फॉरेन रेसिडेंट एंड फॉरेन फर्म। मतलब क्या हुआ इसका, फॉरेन रेसिडेंट एंड फॉरेन फर्म ने हमारे यहां पे कुछ किया तो जीडीपी में इंक्लूड होगा, भाई इंडिया का सिटीजन नहीं है, ठीक है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आके करी है उसने, वो तो हमको इंक्लूड करना है ना, क्योंकि हमारी जीडीपी डेफिनेशन क्या है, हमारी डेफिनेशन ये है जो भी हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ वो इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक। तो कुछ इंडियंस भी रहते होंगे जो वहां जाके मैन्युफैक्चर करते होंगे, यहां बैठे वहां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो इंक्लूड होगा क्या, नहीं वो नहीं होगा।
तो कंप्यूटेशन ऑफ जीडीपी वैल्यू ऑफ आउटपुट इन डोमेस्टिक टेरिटरी माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट मान लीजिए एक कार बनी है 5 लाख की, तो जो जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा जीडीपी एमपी. और एक फॉर्मूला और बोल सकते हैं, जीडीपी एमपी इज समिशन वैल्यू एडिट. समिशन मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यू एडिशन दैट इज बीइंग मेड. ठीक है, सिंपल है ये. लेकिन इसमें लिखा है कुछ चीजें ये एक्सक्लूड करता है. अब क्या एक्सक्लूड हो रहा है आप बताइए. हमने बोला है जीडीपी वही चीज देखनी है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में बन रहा है. तो हमारे यहां के कुछ लोग, हमारे ही सिटीजन कुछ बाहर मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे, चाहे वो इंडिया में लाओ या मत लाओ, वो चीज अलग है. क्या उसको हम जीडीपी में पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे. लेकिन करा तो हमारे सिटीजन्स ने. कुछ ऐसी चीजें भी है दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें भी है जो फॉरेन कंट्री के सिटीजन हमारे यहां रह के मैन्युफैक्चर करते हैं. दोनों चीजें हैं, हमारे यहां के मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे वो इंडिया में बेचे चाहे बाहर बेचे. तो वो लोग जो यहां रह के यहां पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो तो हम जीडीपी में पकड़ रहे हैं, और जो हमारे लोग, हमारे रेसिडेंट्स वहां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम जीडीपी में नहीं पकड़ रहे. ये चीज ध्यान में रखना, आगे इसको कॉपी पेस्ट करने वाला हूं कहीं पे. ठीक है. ट्रांसफर पेमेंट्स, क्या होता है ये ट्रांसफर पेमेंट? सेकेंड थिंग, पेमेंट बाय गवर्नमेंट टुवर्ड्स पेंशन एंड एम्प्लॉयड यूथ. कोई बेरोजगारी भत्ता जिसको हम बोलते, खाली बैठा है उसको ऐसे ही पैसे दे दिए, या कई बार गवर्नमेंट कुछ हादसा वगैरह हो जाता है तो कुछ पैसे बांटती है. ट्रांसफर इनकम मींस एक अकाउंट से इनकम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करी विदाउट डूइंग एनीथिंग. आप कुछ करते हो क्या? अभी पढ़ाई करते हो सिर्फ, लेकिन उसके अलावा और कुछ करते क्या? कोई बिजनेस करते क्या? तो भी आपके पेरेंट्स आपको पैसा देते हैं, तो ये क्या है? ट्रांसफर इनकम. आपको पैसा देके कुछ उनको वैल्यू एडिशन मिला क्या? गुड सर्विस रिटर्न में आपने कुछ दिया क्या? नहीं दिया. तो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट होगा क्या? नहीं होगा. दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर पेमेंट जो हमारे इंडिया में बहुत दिए जाते हैं बाय गवर्नमेंट. हमारे इंडिया में ट्रांसफर पेमेंट बहुत देते ना, पेंशन बहुत दी जाती है अनएम्प्लॉयड यूथ को, ये भत्ता वो भत्ता, बहुत सारी चीजें हमारे इंडिया में दी जाती है. तो ये ट्रांसफर पेमेंट क्या जीडीपी में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसके बदले में क्या मिला? कुछ नहीं. सीधा ये अकाउंट से दूसरा अकाउंट तक पैसे चले गए. बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं. ना गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, ना सर्विस मिली. वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन विट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरिंग टर्म्स. सही बात है, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे रहते हैं जो पैसों में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, वो ट्रांजेक्शन को आप जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते. एंड लास्ट इज नॉन रिपोर्टेड आउटपुट, दैट इज वैल्यू ऑफ इलीगल ट्रांजेक्शन. इलीगल स्मगलिंग, आपकी भाषा में ब्लैक मनी, जो शो नहीं कर रहे वो जीडीपी में कैसे आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा. तो आता है आपका, अब ये दो चीजें माइंड में रखना है हमारे को. वैल्यू एडेड क्या होता है? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. दैट मींस द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स इज टू बी इंक्लूडेड इन जीडीपी. और इससे और अच्छे से बोलूं तो कार की वैल्यू यानी वो 5 लाख की जीडीपी में आनी चाहिए. टायर वाले ने भी और टायर की वैल्यू ले ली, कांच वाले ने भी कांच की वैल्यू ले ली, और स्टील वाले ने भी स्टील की वैल्यू पकड़ ली, और कार वाले ने भी पूरी 5 लाख कार की वैल्यू पकड़ी. तो डबल काउंटिंग होगी कि नहीं होगी? तो ये डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए. दैट्स वाई हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो माइनस करते जाते हैं. ठीक है, समझ आ रहा? नहीं आ रहा? पक्का? इट कंसिस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? देखो यहां पे लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड एज इनपुट्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. हाउएवर, अंडरलाइन करना, स्टार्ट करो, इट एक्सक्लूड्स फिक्स्ड एसेट हुज कंजम्पशन इज रिकॉर्डेड एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड एसेट? कैसे रिपोर्ट करते हैं हम लोग? इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन. जो आपके फिक्स एसेट है, आप पहले दिन खर्चा मार लेते क्या? नहीं, यू टेक डेप्रिसिएशन बाय WDV और SLM मेथड. सिंपल. ठीक है, तो हम हर साल थोड़ा 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 अकाउंट फॉर करते हैं डेप्रिसिएशन. जीडीपी में डेप्रिसिएशन माइनस करते क्या? नहीं. तो इट एक्सक्लूड्स. ठीक है ना, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो ग्रॉस है, उसमें कुछ माइनस होगा तो नेट निकल के आएगा. लेकिन नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन माइनस करते क्या? यस. चलो बाद में आएगा वैसे. अब एक चीज बता दो, ये फिक्स्ड एसेट कोई ना कोई तो मैन्युफैक्चर करता होगा, वो पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? वो लोग प्रोडक्शन में पकड़ेंगे ना. तो उन लोगों ने पकड़ चुके और हम लोग काय को पकड़े फिर से? ये दूसरा कारण है, इसलिए हम लोग फिक्स्ड एसेट को फिर से नहीं पकड़ते. आई बात समझे? इसलिए लिखा है इट एक्सक्लूड्स कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट. हाउएवर इट एक्सक्लूड्स, सॉरी, हुज कंजम्पशन इज रिकॉर्डेड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स.
दे आर नॉट सोल्ड एज इट इज, दैट इज वाई दे आर नॉट काउंटेड, बिकॉज इट विल लीड टू डबल काउंटिंग. इफ द वैल्यू ऑफ कार इज इंक्लूडेड इन जीडीपी, द वैल्यू ऑफ टायर्स इज नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली इन इज नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग. ठीक है. GDP of any nation represent the sum total of gross value added, that is without subtracting capital consumption or depreciation. ये तो आपको भी बताया. In all sectors of the economy, production of agriculture, forestry and fishing, which are used for own consumption of producer, it is also included in production boundary. सही बात है. अगर आपने कोई चीज प्रोड्यूस करी और अपने घर पे ले जाके कंज्यूम कर रहे तो वो भी GDP में हम डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, कि नहीं डालना पड़ेगा. प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन जीडीपी में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? जीडीपी की डेफिनेशन क्या थी? जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए डोमेस्टिक टेरिटरी में. ऐसा लिखा था कि उसको यूज कैसे करना है. मैं बना के उसको आग लगा दू, कि मैं गरीबों में बांट दू, कि मैं यूज करूं, पैसे से दू, फ्री में दू, मेरी मर्जी. जीडीपी में क्यों नहीं आएगा? हाँ, एक चैरिटी कर ली, ठीक है, चलो आपकी बात मान भी ली. चैरिटी किया तो कौन सी एक्टिविटी हो गई? बट एवरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज इकोनॉमिक डायमेंशन. कभी तो भी पढ़ाया होगा मैंने फाउंडेशन वालों को. अरे भैया, मान लो मैंने ये चीज बांटी है, मान लो, तो फ्री में मेरे को मिली क्या? गरीबों में खाना भी बांटा तो मुझे तो पैसे लगे ना. किसी ना किसी को तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई? मैंने जिससे अभी, जैसे मान लीजिए मैं ये बांटता हूं, मोबाइल बांटूंगा नहीं, ये समझ लीजिए बैग बांटता हूं. तो मैंने किसी से तो बैग खरीदी है, और जिससे मैंने खरीदी है उसने तो गुड्स बनाया कि नहीं बनाया? यस और नो? तो वैल्यू वो जीडीपी में इंक्लूड होगा. और मैं अगर बैग सेल्फ कंजम्पशन कर लूं, 100 बैग मैंने बनाई, बैग वाले ने बनाई, एक बैग उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले लिया, तो जीडीपी में 100 बैग का वैल्यूएशन आएगा भैया, क्योंकि एक आपने सेल्फ कंज्यूम कर ही रहे ना. तो खुद से पैसे, ठीक है, खुद से पैसे ले लो, ये जेब से निकाल के ये जेब में डाल दो, इससे ज्यादा क्या होगा? आई बात समझ में? दैट मींस कंजम्पशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज आल्सो टू बी इंक्लूडेड इन जीडीपी. ध्यान में रखना, गलती नहीं होनी चाहिए. चलिए आगे देखते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक, ये तो बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, अब ये देखो, नेशनल इनकम, ध्यान से समझना. आप लोगों ने स्टॉक के बारे में सुना होगा, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस सेल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग. हाँ, ऐसा ही है ना अकाउंट्स में, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस सेल इक्वल टू क्लोजिंग. तो दोस्तों, ये जो स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, क्या करंट ईयर में मैन्युफैक्चरिंग हुई है? पिछले कई सौ भी साल में बनी होगी. कौन से साल में बनी ये भी अपन नहीं बता सकते, हो सकता है पिछले साल, हो सकता है उसके पिछले साल में बनी होंगी. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, क्या वो भी करंट मैन्युफैक्चरिंग है? आप पक्का गारंटी के साथ बोल सकते हैं? नहीं, गारंटी के साथ नहीं बोल सकते. फीफो मेथड, लीफो मेथड, दो मेथड रहती है. कौन सा पहले गया, कौन सा बाद में गया, क्या पता? यस और नो? सिंपल सी बात. तो इसीलिए जो करंट प्रोडक्शन होता है, अगर मैं सिर्फ उसी की रिकॉर्डिंग करूं जीडीपी में, तो चाहे वो सेल हुआ हो या ना हुआ हो, मैंने करंट प्रोडक्शन जितना हर साल होता है रिकॉर्डिंग कर ली, तो करंट प्रोडक्शन में से ही तो ओपनिंग या क्लोजिंग बचता है ना. जितना भी करंट प्रोडक्शन किया बचा तो क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग. यस और नो? अगर मैं सिर्फ करंट प्रोडक्शन की रिकॉर्डिंग करते रहूं बराबर हर साल, तो मेरे को कभी स्टॉक की रिकॉर्डिंग करनी ही नहीं पड़ेगी. यस और नो? बराबर है. तो वही चीज यहां लिखी है, कभी भी स्टॉक जैसी चीजों को नेशनल इनकम के अंदर नहीं लेना चाहिए. नेशनल इनकम इज मेजर फॉर पर्टिकुलर पीरियड, से फॉर अ ईयर, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एसेट्स सच एज स्टॉक एंड बॉन्ड्स. बॉन्ड्स क्या होता है? जो इशू करते हैं. बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ सर्विसेज. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. बॉन्ड इस साल इशू किया, एक साल बाद, दो साल बाद, तीन साल बाद रिडीम होगा, तो बैलेंस शीट में तो चलता रहेगा वो तीन साल तक. तो हर साल उसको लेते रहेंगे क्या? नहीं. या इस साल बॉन्ड मान लीजिए रिडीम भी किया, तो कभी तो भी पैसे लिए थे, कभी तो भी उसको इंक्लूड किया था. यस और नो? तो अगर फिर से इस साल किया तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएंगे क्या? क्योंकि आप रिडीम वही बॉन्ड कर रहे हो जो आप तीन साल पहले पैसे ले चुके हो. नया बॉन्ड अगर इशू किया है इस साल, तो इंक्लूड किया जाएगा. तो एक ही बार इंक्लूड होगा, तीन चार बार इंक्लूड नहीं करते. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एसेट्स सच एज स्टॉक एंड बॉन्ड व्हिच आर एक्सचेंज ड्यूरिंग द करंट पीरियड आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज दे डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, अंडरलाइन किया हुआ है, करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्योंकि करंट प्रोडक्शन नहीं है इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे.
हाउएवर, अब ये जो बॉन्ड्स मान लीजिए है, इसको खरीदने के लिए बेचने के लिए आपको कमीशन देना पड़ा, या कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदी या उसको कोई एसेट को बेचने के लिए कमीशन देना पड़ा, या उसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज आ गई, आपको लॉयर की फीस पे करनी पड़ी, तो वो इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? बिकॉज इज द कॉस्ट ऑफ सर्विस, वो तो इसी साल लगी ना, ठीक है? तो ये भी चीज ध्यान में रखना, हायर द वैल्यू ऑफ सर्विसेज दैट अकंपनी द सेल परचेज, एग्जाम्पल फीस पेड टू लॉयर, रियल एस्टेट एजेंट, रिप्रेजेंट करंट प्रोडक्शन एंड देयरफॉर इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो इस साल हुआ वो करंट, जो इस साल नहीं हुआ वो पास्ट, पास्ट इंक्लूड हो चुका है इसलिए फिर से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कौन सा? हाँ हाँ बिल्कुल, तो एक्सपेंडिचर मेथड में आ जाएगा ना वो, इनकम मेथड में, इनकम मेथड में आएगा। लेकिन ये एक चीज भूल रहे, एक के लिए एक्सपेंडिचर है तो बराबर इनकम में भी तो उतना ही जुड़ेगा ना। अगर आप इनकम मेथड से भी अकाउंटिंग करते हो तो भी फिगर वही रहेगा, आप एक्सपेंडिचर मेथड से चलते हो तो भी फिगर वही रहेगा। अब ये तीन मेथड से कैलकुलेट करके मिलता क्या पता है? ये तीन मेथड से आप कैलकुलेट करते हो, कौन सी मेथड? एक प्रोडक्ट मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड, एक इनकम मेथड। क्या फायदा इससे करके? अगर किसी ने एक्सपेंडिचर दिखाया और उसने इनकम रिकॉर्ड नहीं किया तो पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा? तो इंडिया जैसे कंट्री में तीनों मेथड से जीडीपी या नेशनल इनकम सेम आएंगी कि अलग आएंगी? कहां से आएंगी? अपने यहां एक दिखाता दूसरा दिखाता ही नहीं है ना। अपने यहां पे प्रॉपरली लोग डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते, करते हैं क्या? नहीं पे करते। और बाकी कंट्रीज में, यूएस, यूके, इस टाइप के कंट्रीज में, वहां पे ये सब चेंज नहीं आएगा, मतलब यहां से वहां पे ये सब नहीं आएगा, क्योंकि जैसे दुबई के अंदर तो टैक्सेशन है ही नहीं, डायरेक्ट टैक्स तो है ही नहीं, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स है, तो लोग पूरी पूरी इनकम दिखाएंगे ना, काय के लिए प्रॉब्लम? जस्ट इमेजिन आज डायरेक्ट टैक्स हटा देते, फाइनेंस मिनिस्टर आके बोलते नहीं आज से डायरेक्ट टैक्स, जाओ, तो आप लोग कुछ नॉन रिपोर्ट करोगे क्या? नॉन रिपोर्टिंग मतलब ब्लैक मनी, आपके भाषा में ब्लैक मनी रखोगे क्या? कि सारे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करोगे? सारे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करेंगे सर, टैक्स देना ही नहीं है ना, बिकॉज मेन इंटेंशन इज इवेजन ऑफ टैक्सेस, ठीक है? इसीलिए हम लोग ट्रांजेक्शन रिपोर्ट नहीं करते। तो हमारे कंट्री में प्रॉब्लम ये, कुछ प्रोडक्शन यूज बनता है वो प्रोडक्शन सेल्फ कंज्यूम हो जाता है, या किसी को दे देते हैं ऐसे ही, वो रिकॉर्ड नहीं होता है प्रोडक्ट साइड, जो प्रोडक्ट साइड है उसमें प्रॉब्लम है। एक्सपेंडिचर साइड, कोई आदमी एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करता है, कोई नहीं करता है। और थर्ड इज इनकम साइड, जो एक्सपेंडिचर किया किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसीलिए तीनों में फर्क रहता है हमेशा इंडिया जैसे कंट्री में। तो ये चेकिंग करने को आसानी हो जाती है कि एक्सपेंडिचर तो ज्यादा दिख रहा है, इनकम लोगों ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? दैट मीन्स लोगों ने डायरेक्ट टैक्सेशन इवेड करने की कोशिश की है, या प्रोडक्शन तो इतना सारा हुआ है तो हमको इतना टैक्स क्यों नहीं मिला? फिर गवर्नमेंट को पता चलता है कि भैया कहीं तो भी इवेजन होता है, ये चेक होता है। अब ये इतना आसान नहीं है जितना बोल दिए हो गया, पूरे कंट्री का जीडीपी कैलकुलेट करना, ठीक है? तो इतना आसान नहीं है, ठीक है? वैसे भी हमारे डेटा एनालिसिस बहुत इन्फ्लुएंस्ड है लोगों से, लोगों यानी पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, जैसा डेटा चाहे वैसा दिखाते हैं। बेस्ट एग्जांपल, रिसेंटली 5 अप्रैल को, ये अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक में मैं बैंक ऑडिट पे गया था। बैंक के अंदर उस टाइम इलेक्शन चालू थे, मालूम होगा आप सबको। दैट टाइम दो मुद्दे बड़े चल रहे थे, किसानों का कर्ज माफी, सब किसान ने बैंकों से लोन लेके रखे हैं, कर्ज लेके रखे हैं, ठीक है? और वो सब एनपीए, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वो एसेट है, वो डेटर है जो अब परफॉर्म नहीं कर रहा है, ही इज नॉट पेइंग द इंस्टॉलमेंट। अब वो अगर उसको एनपीए रिकॉर्ड कर लिया बुक्स में तो बैंकों की बैलेंस शीट से प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। और एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट की, मुद्रा स्कीम के बारे में सुना? मुद्रा स्कीम के तहत यह किया गया था कि किसी भी ट्रेडर को 10 लाख रुपए तक का लोन आप दे सकते हो विदाउट एनी सिक्योरिटी। तो जब सिक्योरिटी देने के बाद लोग रिपेमेंट नहीं करते तो विदाउट सिक्योरिटी क्या कोई रिपेमेंट करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है? 10 लाख करोड़ रुपए पूरे हिंदुस्तान में बांटे गए हैं मुद्रा स्कीम के नाम पर। बांटा किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, आरबीआई ने बैंकों को डायरेक्शन दिया बांटो, तो पैसे किसके गए? गवर्नमेंट का कुछ नहीं गया, बैंकों से पैसे गए। बैंक में पैसे कहां से आया? अपने जैसे कुछ लोगों ने एफडी करी, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किए, उस पैसे से बैंक ने वो लोन बांट दी। अब वो लोन वापस आएगा क्या? सोच के बताओ। आरबीआई एक नोटिफिकेशन निकालती है 31 मार्च को,
टू द ऑडिटर्स, डिफरेंट ऑडिटर्स, कि प्लीज डू नॉट ट्रीट, प्लीज यानी ऑर्डर दे रहे हो, प्लीज काय का बोलेंगे, ऑर्डर देंगे कि डू नॉट ट्रीट द मुद्रा स्कीम के एनपीएस एज एनपीए. दैट मींस कभी तो भी रिकवरी होंगे. अब मान लीजिए जो मुद्रा स्कीम वाले जितने भी लोग हैं ये दो साल से पैसे नहीं दे रहे और अगर आरबीआई का नोटिफिकेशन आया तो हमको तो मानना पड़ेगा, बैंक को वो चीज माननी पड़ेगी, बराबर है. अब अगर उसको एनपीए ट्रीट नहीं करेंगे, यानी बैड डेब्ट्स को बैड डेब्ट्स ट्रीट मत करो, तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा. जिस बैंक को लॉसेस चल रहे 20-20, 30-30 लाख के, वो बैंकों के प्रॉफिट रिपोर्टिंग कितनी हुई? 2-2 करोड़. छोटी सी ब्रांच, यहां समुद्रपुर करके जगह है हिंगनघाट के पास, वो बैंक की ब्रांच में 2 करोड़ रुपए की प्रॉफिट रिपोर्टिंग हुई है एसबीआई की ब्रांच में. एक छोटी सी एसबीआई की, एक छोटी सी जगह की छोटी सी ब्रांच, कितने करोड़ रुपए? 2 करोड़ रुपए. और गवर्नमेंट बोलती है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, तो भैया ऐसे रिपोर्टिंग करोगे तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा नहीं क्या? आप लोगों ने सुना होगा ना टैक्स में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन राइज फ्रॉम 7 लाख करोड़ टू 10 लाख करोड़. ठीक है, अब मुझे बताओ इस टाइप की रिपोर्टिंग होंगी, जो ऑलरेडी लॉस है उसको आप 2 करोड़ रुपए दिखा रहे हो प्रॉफिट, तो देना पड़ेगा कि नहीं 30% का गवर्नमेंट को? तो ऐसे अगर टैक्स कलेक्शन होगा पूरे इंडिया के अंदर, तो ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन का फिगर बढ़ेगा. फिगर्स आर बीइंग मैनिपुलेटेड इन अवर कंट्री. अब आपको क्या पता, ये तो मैंने ऑडिट किया, जब आप ऑडिट पे जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा अगले साल तक कि ऐसा होता है. देख लेना, आप याद करोगे मेरे को बैंक ऑडिट करते समय कि अपन जैसे ही मैनेजर को बोलते अरे क्यों नहीं किया, वो सर्कुलर लाके दे देता है, ये लो सर्कुलर सर आरबीआई ने मना किया. अब अपन भी क्या कर सकते, ठीक है भैया मना किया तो किया, अपन थोड़ी आरबीआई है ना, ऑडिटर्स कैन नॉट गो बियॉन्ड आरबीआई. ठीक है, तो कर दिया अपन ने भी, ठीक है भैया सर्टिफाई कर दिया, तो 2 करोड़ प्रॉफिट आ गया. ऐसी किसान कर्ज माफी में भी ऐसा ही हुआ. ठीक है, किसान कर्ज माफी समझ में आता है, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उसके एसेट देती है, लेकिन ये मुद्रा स्कीम, पैसे सोचो ना, सिक्योरिटी के बाद जब पैसे वापस नहीं आते तो बिना सिक्योरिटी के लोन कौन पैसे वापस दे? कोई नहीं देता. अच्छा, बैंक मैनेजर ने घर घर जाके लोन दिया है, ले लो भैया 1 लाख ले लो 2 लाख ले लो, कुछ तो ले लो. इनको टारगेट्स दिए गए थे कि हर ब्रांच वाले को इतना इतना तक मुद्रा स्कीम के अंडर अलॉटमेंट करना, अब वो किया उसने, चलो जाने दो. बहुत कुछ होता है हमारे कंट्री में. नॉमिनल जीडीपी वर्सेस, ये रीड लिखा है शायद वहां पे, उसको रियल कर दो. रीड लिखा है आपके नोट्स में भी कि रियल हो गया बराबर, तो काटो उसको, रियल करो रियल. नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी, ठीक है. अब ये कांस्टेंट प्राइस मतलब कौन सा हो गया? रियल जीडीपी, वहां लिख दो जो कांस्टेंट प्राइस है ना, ये यहां पे, यहां पे बाजू में रियल लिख दीजिए. इट इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी एट करंट प्राइसेस, मतलब नॉमिनल जीडीपी. ठीक. मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड ऑफ आउटपुट एट द प्राइस लेवल ऑफ सिलेक्टेड बेस ईयर, मतलब इसके अंदर क्या करते हैं, कांस्टेंट प्राइस के अंदर एक बेस ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके प्राइसेस के हिसाब से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते रहते हैं. मैंने आपको अभी जीडीपी के बारे में बताया, द वैल्यू, वैल्यू क्या, क्वांटिटी इंटू प्राइस. तो क्वांटिटी तो हर साल चेंज होती रहेंगी, बस प्राइस को हमने फिक्स कर लिया, बराबर है. और अपोजिट करंट प्राइसेस मतलब क्या, हर साल प्राइसेस भी बदलेंगे और क्वांटिटी तो डेफिनेटली बदलती है. दैट मींस फर्स्ट केस में एट कांस्टेंट प्राइस नेशनल इनकम इज अफेक्टेड ओनली बाय चेंज इन आउटपुट लेवल, आउटपुट यानी आपका स्टॉक, आपकी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड. एंड इन सेकेंड केस नेशनल इनकम इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन प्राइस लेवल एज वेल एज आउटपुट लेवल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियल वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस इज इक्वल टू रियल जीडीपी. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, एग्जाम्पल जीडीपी एट करेंट प्राइजेस इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी. ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन था एग्जामिनर का, बट लास्ट या उसके लास्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो अब आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन था. ठीक है, तो अभी शायद नहीं आए. ठीक है, चलिए, किसी को डाउट है यहां तक तो प्लीज पूछो. अभी हमने जीडीपी पढ़ा है सिर्फ थोड़ा सा, वो भी बताते ना आगे क्यों नहीं करते, वो भी आएंगा अभी आगे सब्ट्रैक करेंगे ना अपन. कायदे से नेशनल इनकम निकालते समय सब्ट्रैक करना चाहिए ना? नहीं नहीं, नेशनल इनकम जो आप निकालते हो, नेशनल इनकम यानी आपकी इनकम. अब आप मुझे एक चीज बताओ, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनती है, डेप्रिसिएशन हटाते कि नहीं हटाते उसमें से? अलाउड है ना, तो नेशनल इनकम यानी आपकी इनकम. प्रीवीएनएल बना उसमें डेप्रिसिएशन सर हमने हटाए हैं, तो इनकम जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? आगे हटाएंगे ना,
अभी तक में कोई डाउट है क्या तो बताओ, आगे आएगा डेप्रिस। हाँ, स्टॉक की वैल्यू इसलिए ऐड नहीं करते क्योंकि हम करंट प्रोडक्शन की वैल्यू ले लेते हैं। करंट प्रोडक्शन से स्टॉक निकलता है कि स्टॉक से करंट प्रोडक्शन निकलता है? करंट एक्सपोजर अगर बच गया तो स्टॉक निकलता, तो मैंने ऑलरेडी करंट की ले लिया, वो तो बचा हुआ माल है ना, तो उसको फिर से लूंगा तो डबल काउंटिंग नहीं होगी, इसीलिए नहीं लेते। एनीथिंग एल्स? क्या भैया कोई डाउट है क्या है? नहीं है? एक सेकंड, सही बोल रहे हो, नेशनल इनकम पूछ रहे, जीडीपी नहीं पूछ रहे, तो सुनने तो दो यार तुम यार। हाँ बोलो, आप जवाब दे रहे पक्का? हाँ बोलिए, फिर से एक बार पूछना। एक बार क्या करना चाहिए? नहीं लेना चाहिए? पक्का? आप जैसा बोलो वैसा कर देते। इसका जवाब आपको थोड़ा एक पांच मिनट में मिल जाएगा। आगे जो हम जीएनपी पढ़ने वाले ना, नेशनल प्रोडक्ट, उसके अंदर ये देखिए, बताऊं एक पेज आगे जाऊंगे। हाँ यही यही देखो, ये एनएफआई दिख रहा है आपको, मैं बोला था ना थोड़ी देर के लिए इसको रोक के रखो। अमाउंट अर्न बाय कंट्रीज सिटीजन एंड फर्म ऑपरेटिंग अब्रॉड और टोटल अमाउंट अर्न बाय, सेकंड देखो, फॉरेन सिटीजन एंड फॉरेन फर्म्स ऑपरेटिंग इन दैट कंट्री, यानी आप जो पूछ रहे हैं ना वो लोग हैं। आपने क्या बोला, लेना चाहिए क्या? नहीं लेना चाहिए, तो माइनस कर रहे ना, आप जैसा बोलो वैसा कर देते। भैया वो कमा के जा रहे अपने यहां से, वहां बेच देंगे पैसा, ठीक है, तो काउंटर क्वेश्चन ये भी उठता है, वो अपने यहां से कमा के जा रहे तो अपन भी तो कम थोड़ी है, कुछ अपन भी वहां से कमा के ला रहे होंगे, तो दोनों का नेट अपन लेते हैं। अब हमारे कंट्री में होता क्या, वो ज्यादा ले जा रहे कि हम ज्यादा ला रहे? हम ज्यादा नहीं ला रहे, वो ज्यादा ले जा रहे, तो उल्टा नेशनल इनकम इस कारण से। अरे भाई वो ज्यादा ले जा रहे ना यार, आपने कभी आप इंडियन ब्रांड खरीदते क्या? आप फॉरेन ब्रांड ज्यादा खरीदते अपन, तो वो लेकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, वो लोग ज्यादा ले जाते, इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, मेक इन इंडिया, ठीक है। चलो जाने दो, अभी और डिटेल में बताता हूँ ये। मैं मुझे बताओ जीडीपी तक समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं, चलिए अब देखिए एक चीज और पढ़ेंगे, जीएनपी। टोटल हम लोगों को नहीं क्या दोस्तों, आठ चीजें पढ़नी, पता है आपको आठ चीजें पढ़नी, कितनी? आठ। आठ में क्या क्या आता? आपके बहुत सारे अरे सुनो ना, बातें बड़े जल्दी करते हैं आप लोग। पहला था हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद एक चीज आएंगी जिसको हम बोलेंगे जीएनपी, इसको बोलते हैं दोस्तों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं ना अभी, मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं एनडीपी, और चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं एनएनपी, और ये सारी चीजें हम पता है कहां पे पढ़ने वाले हैं, मार्केट प्राइस पे। तो पहला हमने जीडीपी पढ़ा, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं जीएनपी, दैट मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये भी एमपी है, ये भी एमपी है, तो अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है तो इन दोनों में किस चीज का फर्क है दोस्तों? देखो जी भी बराबर है, जी भी बराबर है, पी भी बराबर है, पी भी बराबर है, एमपी एमपी बराबर है, फर्क काय का है? डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है जो हमको हटाना है। अगर हमको जीडीपी से जीएनपी पे आना है या जीएनपी से जीडीपी पे जाना है, तो हमको डी और एन का फर्क हटाना है। कौन सा फर्क हटाना है? डी और एन, ठीक है। कैसे हटेगा ये फर्क? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पेज नंबर मालूम है क्या? पेज नंबर सिक्स पे दिया हुआ है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, सॉरी पेज नंबर पहले फाइव निकालो, जीएनपी प्लस किस में करेंगे, तो जीएनपी एमपी इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। साइंस वालों एकदम टेंशन मत लेना, एकदम से क्लिक नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम, मैं तीन चार बार बोलूंगा एक एक चीज, एकदम से क्लिक नहीं, हो सकता है हो जाए और हो सकता है ना हो, ठीक है। जीडीपी साइंस वालों को भी समझ में आया ना, बस इतना बता दो कि उसमें भी डाउट है अभी भी,
जेडीबी समझ आ गया। अब मेरे को क्या करना है, एनएसआईए ऐड करना है। क्यों करना है भैया? क्योंकि डोमेस्टिक और नेशनल का ही फर्क है। ये देखिए यहां पे मैं देखूं ना, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो एक डोमेस्टिक और नेशनल, ये दो ही वर्ड्स अलग है, ठीक है। तो डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क कैसे मिटाते? अगर मान लीजिए डोमेस्टिक दिया है या नेशनल निकालना है, या नेशनल दिया हुआ है डोमेस्टिक निकालना है, स्पेलिंग में कई बार गलत करते रहता तो माइंड मत करना, ठीक है। मेरे को आता नहीं स्पेलिंग वगैरह, ठीक है, आप समझ जाओ, बस उत्तर लिख ही देता हूं। अगर आपको दोस्तों डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA, ये NFIA मत बोलो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐसा बोलो, ठीक है, बार बार बोलो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपको क्या करना है, एड करना पड़ेगा। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है गलती से तो उल्टा पूछ लिया तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपका पहला चार्ट है जो आपको लिखना है आपके बुक में कहीं तो भी। ऐसे तीन चीजें बनवाऊंगा और उसके बाद आपको कुछ भी पूछ ले, आठ चीजों में से आप गलती कर ही नहीं सकते। इसको नोट करो, बुक नहीं मिली क्या? हाँ तो फिर लिखो ना, वही पे बुक पे ही लिखो, रजिस्टर में लिखने की जरूरत ही नहीं। क्या लिखोगे? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एड, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो अगेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस, ठीक है। अब ये NFIA क्या है भैया, ये समझ लेते हैं अच्छे से, हमने एडलेस तो सीख लिया। व्हाट इज NFIA? इट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल, ये भी हमको पता है, लेकिन क्या? टोटल अमाउंट अर्न बाय कंट्री सिटीजन एंड फर्म ऑपरेटिंग अब्रॉड, यानी अपने लोगों ने क्या कमाया देश में, जो कमाया वो तो GDP पे ऑलरेडी हम ले चुके हैं, चाहे इनकम मेथड से निकालो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो, चाहे कोई भी मेथड से निकालो। GDP क्या है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो चाहे देश वाले ने किया हो, विदेश वाले ने किया हो, वो तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हम NFIA का एडजस्टमेंट उसमें करने वाले, किसमें? GDP में। तो GDP को साइड रख देते थोड़ी देर के लिए, सिर्फ NFIA की बात करते हैं, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैं बोल सकता बार बार NFIA क्योंकि मैं CA बन गया, आप बनने के हो, ठीक है, इसलिए मत बोलो। टोटल अमाउंट बाय कंट्री सिटीजन एंड फर्म ऑपरेटिंग अब्रॉड, यहां रह रहे और कहां ऑपरेट करके कमा रहे, यहां तो कमा ही रहे प्लस फॉरेन में भी ऑपरेट कर रहे हैं या फॉरेन में कंसल्टेंसी दे रहे हैं और वहां से भी हमको पैसा आ रहा, हम कंट्री के सिटीजन्स है, कंट्री के रेसिडेंट्स है, लेकिन बाहर काम करके हम पैसा लेके आ रहे देश के अंदर। कई बार बोलते हैं ना कि विदेशी कंपनियां जो यहां रहती है वो पैसा ले जाती है देश से, हमारे बाबा रामदेव बोलते रहते हैं, इसलिए स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदिए, है ना बाबा रामदेव अपने फाउंडेशन वाले, ठीक है। और माइनस, अब ठीक है हम लेके आ रहे हैं तो वो भी तो लेके जा रहे कि नहीं जा रहे, वो पगले थोड़ी है, क्या लेके जा रहे? वो टोटल अमाउंट अर्न बाय फॉरेन सिटीजन एंड फॉरेन फर्म्स ऑपरेटिंग इन दैट कंट्री, दैट मतलब अवर कंट्री, अपने यहां से लेके जा रहे हैं, तो नेशनल माइनस डोमेस्टिक, तो नेट बचा वो क्या हुआ? NFIA, इसलिए बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड यानी बाहर से हमको फैक्टर इनकम आई है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर से हमको फैक्टर इनकम आई है। तो अगर हमारा पहला फिगर नेशनल फिगर ज्यादा रहेगा और सेकेंड वाला फिगर कम रहेगा तो NFIA क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आया मतलब हमको बाहर से कुछ तो भी एक्स्ट्रा आया है, एक्स्ट्रा आया है। और अगर ये फिगर इक्वल रहा जो कभी नहीं रह सकता तो ये जीरो रहेगा, यानी जितना हम लेके आए उतना वो लोग लेके चले गए। अब तीसरा क्या होगा? हम लेके आए कम नेशनल टोटल इनकम और वो लेके गए ज्यादा, तो नेशनल मेजर विल बी लेस देन डोमेस्टिक मेजर, तो ये फिगर क्या आएगा? नेगेटिव। अगर ये फिगर नेगेटिव आता है तो ये आपका GDP बढ़ाएगा कि कम करेगा? कम करेगा, क्योंकि सर हमने अभी देखा GDP में प्लस किया जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फिर निकल के आता है GNP। एक चीज ध्यान देना दोस्तों, हम ये GDP से लेके आगे तक जा रहे हैं ना तो हम नेशनल इनकम निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं और आठवां जो हमारा फिगर आएगा वो नेशनल इनकम आएगा, समझ आई बात? तो अभी हम नेशनल इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरे पहुंचे नहीं। दैट मींस हमने जो एक कदम आगे बढ़ाया है GDP के बाद, हमने जो GNP निकाला है, GNP में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एड किया, पॉजिटिव रहा तो बहुत अच्छी बात है आपके हिसाब से, अभी आपने बोला
जुड़ जाएगा इनकम में। लेकिन अगर ये फिगर नेगेटिव रहा तो बराबर जो फॉरेन वालों ने ज्यादा इनकम कमा के लेकर गए अपने आप माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर है, यस और नो, क्लियर है ये कि डाउट है? एक बार पूछो, दो बार पूछो, तीन बार पूछो, जितनी बार आपकी मर्जी। पानी पूरी खाते होंगे ना, फिर वो पूरे छह पीस खा के चले जाते क्या? क्या मांगते हैं? सूखी पपड़ी जब तक नहीं देता तब तक तो आप मानोगे ही नहीं कि भैया पूरा हमारा कंप्लीट हुआ। और कई बार कल दो भी मांग लेते हैं, एक और दो ना भैया, हाँ ठीक है, और नहीं दिया तो उससे गलत नहीं, सूखी देता ही नहीं, हम लड़ाई कर लेंगे, पैसे भी नहीं देते जहां। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से पूछ लो, जो भी आपको डाउट है आपके फायदे की बात है, मेरा कुछ नहीं जा रहा। पॉइंट नंबर बी, हाँ कहा गया अभी? अरे टेबल पे आने का हूं बेटा अभी मैं, नहीं नहीं नहीं, पहले ऊपर का समझो, आपको उससे क्या करना है, क्या है क्या नहीं, बताता हूं, शांति तो रखो, टेबल को छोड़ो, अभी टेबल की छोड़ो, पहले ऊपर की बात करो। वहां तक समझा क्या? वहां तक समझा क्या बाबू? ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करू, NFIA टोटल अमाउंट अर्न बाय कंट्री सिटीजन एंड फर्म ऑपरेटिंग अब्रॉड, मतलब हम लोग जो बाहर से लेके आ रहे हैं और वो लोग जो हमारा लेके चले गए। ठीक है, समझ आई? अब पॉजिटिव रहा मतलब अच्छी बात है, NFIA पॉजिटिव रहा मतलब जो नेशनल मेजर है वो डोमेस्टिक से ज्यादा है, यानी हमने ज्यादा लेके आए और वो कम लेके गए, बहुत अच्छी बात है, नेशनल इनकम में जुड़ जाएगा। जीरो है मतलब कोई बात नहीं, ना जुड़ेगा ना हटेगा। और नेगेटिव है जो कि हमारे कंट्री में है, तो नेशनल मेजर विल बी लेस देन डोमेस्टिक, दैट मीन्स GDP ज्यादा रहेगा और GNP कम रहेगा, क्योंकि हम NFIA ऐड करते हैं और अब ये नेगेटिव में आ गया तो अपने आप माइनस हो जाएगा, हा कि ना? ठीक है, अब भैया मेरे को सिर्फ एक चीज बताओ, डिफरेंस बिटवीन GDP एंड GNP। अब आ रहे हैं अपन इसके ऊपर, GDP GNP का डिफरेंस, थोड़ी देर के लिए जो सेकेंड और थर्ड कॉलम है ना उस पर हाथ रख दो ऐसे। छोटे थे तो अपन ऐसे हाथ रख के नहीं पढ़ते थे, फिर ऐसे धीरे से देखते थे, अभी देखना नहीं है, बस उतना काम कर लो, हाथ रखो प्लीज, लिटरली हाथ रखो। मैं यहां दिखा रहा हूं, मैं काय को दिखा रहा हूं, रुको, हाथ रख दिया सबने? हाँ, ये फालतू है, ये मत देखो, अपने बुक में देखो, अब एक मिनट के लिए बुक में देखिए। अब मुझे एक चीज बताओ, पहला पॉइंट लिखा है, पहला पॉइंट में क्या लिखा है? इनकम, पढ़ो ना, कौन लोग है ये? इंडियन है, इंडियन रेसिडेंट है, कहां से कैसा कमा रहे हैं? बाहर से। क्या ये GDP में इंक्लूड होता क्या? GNP में होता? हा। सेकेंड, इनकम ऑफ फॉरेन सिटीजन रेसिडेंट फॉर फॉरेन ओन फर्म्स वर्किंग ऑपरेटिंग इन दैट कंट्री, यानी इंडिया, यहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, क्या ये GDP में इंक्लूड होता क्या? हाँ, क्योंकि जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में उन्होंने किया, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो, वो तो लेना ही है, ये तो पहले ही बोला था। लेकिन GNP में, क्योंकि वो हम माइनस करते हैं, ये देखो वो दिख रहा ना, डोमेस्टिक मेजर टोटल अमाउंट अर्न बाय फॉरेन सिटीजन, हम हटा देते हैं। अभी क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो पूछो, अरे पूछो ना, क्या क्या तकलीफ है, तकलीफ भी बताओ, कौन सा एक्सक्लूड क्यों हो रहा बेटा? बी पॉइंट की बात कर रहे? हाँ, बी पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट में GNP में एक्सक्लूड क्यों हो रहा? अरे किया ना, ये देखो ना, ऊपर किया ना। अच्छा क्यों कर रहे, रीजन पूछ रहे आप? हाँ देखो, हम GDP से निकल के GNP पे आ रहे हैं और हम बढ़ कहां रहे हैं? नेशनल इनकम की तरफ, हमको निकालना नेशनल इनकम है। तो आप ही सोचो, वो जो फॉरेन फर्म्स वाले हैं जो कमा तो अपने कंट्री में रहे हैं बट लेकर बाहर जा रहे हैं, मतलब अपने वाले थोड़ी है वो लोग, तो फॉरेनर्स है, FII FDI टाइप्स, बताया था FDI वाइफ होती है, FII गर्लफ्रेंड होती है, तो कभी भी छोड़ के जा सकती, तो ये उसी टाइप के लोग हैं। अगर ये इनकी ये इनकम अपन ने अपने वालों की, नेशनल इनकम इज व्हाट अवर इनकम, हमने कंप्यूट करना चाहिए क्या? नहीं, ये फॉरेन फर्म्स है, ये फॉरेन रेसिडेंट्स है जो अपने यहां आके मलाई खा के जा रहे, मुर्गी खाती आए अंडा बहा देंगी, ऐसा सुना होगा ना, वो वाली बात है। तो हम उसको अपनी इनकम में क्यों इंक्लूड करें? हाँ, लेकिन हमारे वाले जो लोग कुछ वहां से लेकर आ रहे हैं तो वो तो हमारे वालों की इनकम है, उसको तो इंक्लूड करना चाहिए, तो इसीलिए उसको इंक्लूड किया। और जो हमारे वाले जो ला रहे हैं वो, और जो ये लोग लेके जा रहे हैं उसको हटा दो, तो बचेगा तो ऐड कर देंगे,
नहीं बचा तो नहीं करेंगे, कम हो नेगेटिव रहा तो माइनस कर देंगे। तो जीडीपी में जो ऑलरेडी था उसमें से जब ये ऐड या लेस जो भी होगा तो बचा आएगा जीएनपी। अब ये जो जीएनपी आएगा ये डोमेस्टिक नहीं है, नेशनल प्रोडक्ट है, दैट मींस हम नेशनल इनकम के निकालने के तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए ये फॉरेन फर्म्स वालों की इनकम यहीं हटा दिया हमने। आई बात समझ में? इसीलिए हटाया। एनीबडी एल्स समझ आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ, फीडबैक दो। अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोलो यार, आप बोलते नहीं है, ऐसा पहला दिन है इसलिए। मेरे से डरने की क्या जरूरत है, मेरे से वैसे भी कोई नहीं डरता, ठीक है। चलिए आगे चले, अब ध्यान से सुनना। अभी आपने दो चीज निकाल ली, क्या क्या निकाला? जीडीपी निकाल लिया और जीएनपी निकाल लिया। तो बच्चों ये एन और एन क्या होता होगा, नेट और नेट, ठीक है। अब ध्यान देना, ये और इसमें क्या फर्क है, एमपी एमपी ये भी है। देखिए डीपी डीपी बराबर है, एमपी एमपी बराबर है, फर्क किसमें? ग्रॉस और नेट में। ग्रॉस और नेट का फर्क कैसे निकाला जाता है? ग्रॉस में से सर कुछ तो भी माइनस कर दो तो नेट निकल के आता है, तो वो कुछ तो भी इज व्हाट, वो कुछ तो भी इज डेप्रिसिएशन। अभी आप लोगों ने बोला था ना सर डेप्रिसिएशन तो हमारी इनकम से हम माइनस करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, अपनी इनकम लेते, डेप्रिसिएशन हटाते कि नहीं हटाते? तो सर नेशनल इनकम से भी तो हटाना चाहिए ना, इट शुड बी ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन, इट शुड बी नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो देखो हम बढ़ रहे हैं नेशनल इनकम की तरफ, हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, ठीक है। हमारे पास दोनों फिगर होने चाहिए, ग्रॉस भी रहना चाहिए और नेट भी रहना चाहिए। दैट मीन्स अगर मुझे एनडीपी निकालना है तो आई विल माइनस जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, हाँ कि ना। और ये जो ये फिगर है एनएनपी एमपी कैसे निकालूंगा? अगर मेरे पास ये फिगर है तो ये दोनों में फर्क क्या है? अगेन एनपी 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 एमपी एमपी सेम है, फर्क किस चीज का? सिर्फ ग्रॉस और नेट का, इसमें और इसमें। ग्रॉस और नेट का फर्क कैसे निकालते? अगेन एन सॉरी जी एनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, यस और नो? कुछ हुआ, गलती हुई मेरे से? नहीं, हो सकती है, हो तो बता देना, उसमें क्या है, इंसान गलती हो गई तो कभी लिखने में गलती हो जाती है, गड़बड़ गड़बड़ में, अरे बहुत कम होता है ऐसा। समझ आया क्या? हाँ, तो एक हम और ये बना सकते, जैसे हमने एक ये चार्ट बनाया वैसे एक और चार्ट बना सकते। क्या चार्ट बनाएंगे दूसरा? अगर आपको कहां से कहां जाना है तो सेकेंड चार्ट हम बनाते हैं। अगर आपको ग्रॉस नेट ये फर्क मिटाना है तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है। बोलो, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करूं? माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन, है ना? सिंपल, लिख लो इसको भी, सेकेंड चार्ट। बस तीन चार्ट बनाने, उसके बाद देखो मजा आएगा। और डाउट अभी नहीं आया? डाउट अभी ये एमपी एमपी की बात कर रहे हैं हम सब, अभी हम आएंगे एफसी पे, बताता हूं। वो बहुत सिंपल है जी, बहुत ही सिंपल है। ये दो चीज समझ में आई, ये नोट किया आपने, ठीक है। अब एक चीज आपको और पूछता हूं, ठीक है, इधर ध्यान देना। ये मिटा रहा हूं मैं, अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि सर आपको अगर ये फिगर निकालना है एनडीपी एमपी और ये फिगर निकालना है एनएनपी एमपी, तो हम क्या करेंगे? इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो ये आ गया, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो ये आ गया। लेकिन मान लीजिए ये फिगर नहीं दिया है और ये फिगर दिया है, ये सेकेंड वाला फिगर दिया है और थर्ड पॉइंट निकालना है, तो कैसे करोगे? तो फर्क क्या है पहले बताओ, बस ऐसे कभी नहीं करना, एकदम हवा में बात नहीं करना। फर्क क्या है? सर देखो पी और पी सेम है, एमपी एमपी सेम है, फर्क काय का है? जी और एन का फर्क है, कैसे मिटाएंगे? डेप्रिसिएशन से। एन और डी का फर्क है, कैसे मिटाएंगे? नेशनल डोमेस्टिक का एनएफआई से, बराबर है, ठीक है। तो हमको दो बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक बार वो फर्क मिटाना पड़ेगा फिर दूसरा फर्क मिटाना पड़ेगा। समझ आई बात? हा कि ना? आप कैसे भी कहीं भी जा सकते हो, बस वो जो दो टेबल अभी बनाए थे वो ध्यान में रखना, ठीक है।
तीसरा, ये सब कुछ आप देख रहे हो एमपी एमपी पे। अब एक और चीज होती है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं एफसी। एफसी मीन्स व्हाट? फैक्टर कॉस्ट। व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी हम टोटल मारते हैं, तो क्या आता है हमारा सेलिंग प्राइस, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी जोड़ते हैं ना हम लोग। लेकिन ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब हमने जोड़ा तो ये हमको मिलने वाला है, लेकिन मार्केट की सेलिंग प्राइस तो कुछ और रहती है। सही है कि गलत बोल रहा मैं वापस ये बोलता हूं कि मैंने जोड़ा मटेरियल कॉस्टिंग। पढ़ लिया ना आप लोगों ने? हाँ, अरे वाह, कॉस्टिंग पढ़ लिया, अच्छी बात है। सर बोलते ना मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीनों की टोटल इज द कॉस्टिंग, इज द कॉस्ट। इसमें क्या जोड़ते हैं? मैं सिंपल बता रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बता रहा, ठीक है? कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़े तो क्या आता दोस्तों? सेलिंग प्राइस। इतने में बेचते हैं हम लोग कि इसमें कुछ और जोड़ते हैं फिर बेचते हैं। अरे जीएसटी जोड़ते कि नहीं जोड़ते? और कंज्यूमर को कितने में बेचते? दिस विल बी मार्केट रिटेल प्राइस, एंड दिस प्राइस हम लोग जो जीडीपी निकालते हैं, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, तो जो वैल्यू लेते भैया ये एमआरपी है। लेकिन रियल टर्म्स में देखा जाए तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट या फैक्टर पेमेंट, सारे फैक्टर पेमेंट जोड़ू, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड यानी रेंट, वेजेस, कैप, ये सब जोड़ू प्रॉफिट जोड़ के, तो रियल फैक्टर पेमेंट तो यही हुआ ना, सेलिंग प्राइस। ये तो जीएसटी मेरा थोड़ी है, ये किसका? गवर्नमेंट का हिस्सा है जो मैं गवर्नमेंट के ब्याज में कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहा हूं, येस और नो? तो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड है, फैक्टर कॉस्ट जो आपने प्रोडक्शन किया उसमें काय का इनडायरेक्ट टैक्स, येस और नो? दैट मीन्स अगर आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का फर्क निकालना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ आना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे तरह के थे इसीलिए इतना सब प्रॉब्लम था, अभी तो सिर्फ आप सीधा जीएसटी भी समझ लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स आइदर माइनस जीएसटी और प्लस जीएसटी, सीधी सी बात है ना। मार्केट प्राइस के अंदर जो एमआरपी है उसमें आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड है ऑलरेडी। अगर आपको उससे ऊपर जाना है, फैक्टर कॉस्ट की तरफ बढ़ना है, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाना पड़ेगा, और अगर फैक्टर कॉस्ट से फिर मार्केट प्राइस की तरफ जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ना पड़ेगा। बोलो, डाउट? सोच लो फिर पूछ लेना क्या कुछ। इसलिए तो नेट लिखा। सब्सिडीज इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ग्रॉस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यही बताने वाला था, आगे आ ही रहा था। मैंने नेट नेट क्यों लिखा इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसीलिए लिखा, सब्सिडीज हटाने के लिए, बताता हूं ना, उसी पे आ रहा था। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी 18% है, मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस 18%, और गवर्नमेंट बोलती है अगर आप ये जगह पे खोलते हो ना तो हम आपको 50% जीएसटी वेव करेंगे, दैट मींस जीएसटी विल बी चार्ज ओनली 9%। दैट मींस गवर्नमेंट क्या कर रही है, 9% 50% जीएसटी की सब्सिडी दे रही है, तो नेट जीएसटी कितना हुआ? 9%। इसीलिए लिखा वहां पे नेट, और नेट कहां से आता है? ग्रॉस में से कुछ तो भी माइनस करके। तो गवर्नमेंट जो लेती है वो टैक्स है, और जो देती है अपने को वो सब्सिडी है। दैट मींस हमको नेट फिगर माइनस करना है। लेकिन होता क्या बेटा, सब्सिडी बहुत कम जगह रहती है इनडायरेक्ट टैक्स में, सब्सिडी हर जगह इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट देती नहीं है, ज्यादातर जगह गवर्नमेंट सब पूरा इनडायरेक्ट टैक्स वसूल किया जाता है ज्यादातर जगह, इसीलिए हम लोग नेट फिगर डायरेक्टली लिखते हैं। सब्सिडीज के आगे लिखा जाता है इफ एनी, माइनस सब्सिडीज इफ एनी, ऐसा। तो व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इफ एनी, वो बताने वाला था मैं, इसलिए नेट वर्ड लिखा। और कोई डाउट? एनीबडी एल्स? कुछ है क्या? तो चलो, ये तो समझ में आ गया एमपी और एफसी में क्या फर्क, तो निकाल सकते क्या आप? अरे निकाल सकते क्या? हाँ सर, इसमें क्या है, ये सब में से क्या माइनस करूं? हाँ वही नेट, नेट ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, ये सबसे माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा? सब कुछ एट फैक्टर कॉस्ट, यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट,
एंड एन एन पी एड फैक्टर कॉस्ट एंड दिस लास्ट फिगर एट्थ फिगर इज योर नेशनल इनकम. पूछो कैसे. हाँ सर देखते देखो नेशनल इनकम यानी आम आदमी की इनकम, गवर्नमेंट की इनकम नहीं. हटा दी गवर्नमेंट की इनकम इस फिगर में से. इस फिगर में से गवर्नमेंट की इनकम हट गई क्या. हाँ बिल्कुल हट गई सर. एफसी पे आ गए. चलो नेट आ गया. डेप्रिसिएशन भी आप लोगों को हटाना था वो भी हट गया. नेशनल निकालना है. नेशनल मतलब ये एनएफआई है. ये देखो ना अभी देखे थे ना, यानी इसमें से हमको फॉरेन वालों की हटाना है. तो हमने हटा दिया. हमने हमारी जोड़ा फॉरेन वालों की हटा दी. डोमेस्टिक से नेशनल पे जाए मतलब आपको क्या करना है. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यू हैव टू एड दैट. ठीक है तो वो भी हमने हटा दिया. तो बराबर ये नेशनल इनकम हुआ कि नहीं हुआ. अरे हाँ कि ना. नहीं समझा तो बोलो प्लीज. ये हुआ आपका नेशनल इनकम. ठीक है तो ये चीज आठ चीज है टोटल. अब इंस्टीट्यूट क्या करती है, कोई भी एक आधा फिगर दे देंगी या कोई भी एक दो फिगर जो भी उनकी इच्छा होंगी वो देंगी और आपको बचा हुआ कुछ तो भी निकालने का बोलेगी. यानी एक चीज समझ लेना, अगर आपके पास ये फिगर है तो आप सीधा ये फिगर पे भी आ सकते हो. बस आपको दो तीन डेटा चाहिए. आपको चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स का डेटा, आपको चाहिए एनएफआईए क्या है, आपको चाहिए डेप्रिसिएशन क्या है. बस सिंपल सी बात है. और मान लो डेप्रिसिएशन नहीं है या एनएफआईए है ही नहीं, जीरो है. एंड इफ एनएफआईए इज जीरो देन आई कैन से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. सिंपल से बात है. या डेप्रिसिएशन है ही नहीं तो आई कैन से जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी. यस और नो. कोई भी फिगर जीरो भी हो सकता है कि नहीं. मान लो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ही नहीं तो आई कैन से दिस ऑल एमपीज विल बी इक्वल टू ऑल एफसीज. यस और नो. ठीक है ये आठ चीज समझी. कभी निकालने का बोलोगे तो निकालोगे बराबर. वैसे हम प्रॉब्लम्स करने वाले अच्छे से इनके, आप चिंता मत करो. सब कुछ छाप के दिया है, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं. सारे प्रॉब्लम्स इसी के अंदर डाल के दिए हैं. जितने मॉड्यूल में उससे ज्यादा है. मॉक टेस्ट पेपर के भी इसमें डाले हैं. अरे आपको कुछ एडिशनल मेरे तरफ से तो करने की जरूरत नहीं. फिर आपकी अगर इच्छा है तो यू कैन डू एनीथिंग, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू. ठीक है अब. हाँ कोई डाउट है बेटा किसी को, किसी को एनीबडी. अगर अभी भी शर्म आ रही है तो क्लास के बाद आके पूछ लेना. सर पहला दिन है क्या पूछे सर, अच्छा नहीं लगता. ठीक कोई बात नहीं, बाद में आके पूछ लेना. हाँ अब एक दो चीज और आपको बता देता हूं, उसके बाद हम रुकेंगे. पर कैपिटा इनकम क्या होता, सुना ही होगा. टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, यानी एक इंसान की इनकम हम एवरेज में निकाल लेते हैं. ठीक है वो लिखा हुआ है. कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, दिमाग में डाल लो. ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछती इंस्टीट्यूट. ठीक है हाँ. और पर्सनल इनकम क्या होता दोस्तों, पर्सनल इनकम. डिस्पोजेबल अलग है, पर्सनल अलग है ना. पर्सनल इनकम जो मेरी इनकम है उसमें से जैसी कौन सा टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स. हाँ पर्सनल इनकम में से जब डायरेक्ट टैक्स माइनस होता है तो निकल के क्या आता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. पूरा बोलना. पर्सनल इनकम में से जब डायरेक्ट टैक्स माइनस होगा तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. मतलब मान लीजिए मैं 100 रुपए कमाता हूं, 100 रुपए में से मुझे 30 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं. तो मैंने 100 कमाए मतलब मैं 100 खर्चा करूंगा क्या, नहीं. पहले गवर्नमेंट का हिस्सा दो. गवर्नमेंट का हिस्सा देने के बाद मेरे पास 70 बचे. अब ये इनकम मैं डिस्पोज ऑफ कर सकता हूं. ये इनकम मेरी हो गई वाई. और इस वाई का मैं क्या करूंगा, आइदर आई विल कंज्यूम और आई विल सेव. और ये अपन पढ़ने वाले नेक्स्ट यूनिट में डिटेल में. ठीक है फिर डेल्टा डेल्टा लगाते इस पे, फिर इसको इन्वेस्टमेंट करते, ऐसा कुछ तो भी करते. ठीक है वो बाद में देखेंगे अपन. समझ आया दोस्तों ये पक्का. अब पर्सनल इनकम और नेशनल वर्सेस पर्सनल इनकम. हाँ अभी क्या नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम हमेशा सेम आएंगी क्या, आएंगी तो क्यों नहीं, आएंगी तो क्यों नहीं, आएंगी क्या पहले बताओ. तो क्यों नहीं, नेशनल इनकम ही तो आपके पर्सनल इंडिविजुअल की इनकम है. तो सर नेशनल इनकम पर्सनल इनकम सेम आना चाहिए. बेटा पर्सनल इनकम से, पर्सनल इनकम में डायरेक्ट टैक्स का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि जो भी आप लोग वो करते हो क्या कहते हैं, ठीक है इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा ठीक, उसके अलावा बस उतना ही. क्या क्या और बस इतना ही, इतना ही. बहुत सारी चीजें हैं, एक बता देता हूं छोटी सी.
ट्रांसफर पेमेंट नाम की चीज सुनी थी अभी बताया था, पेंशन, वो पेंशन जीडीपी वाले कई सुना क्या, वो सब आएगा क्या उसके अंदर, नेशनल इनकम में आया क्या वो पेंशन वेंशन, लेकिन पर्सनल इनकम में आता कि नहीं आता, हा कि ना आता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस ऑल नॉनसेंस जो हम ये कर रहे हैं, और पर्सनल इनकम के अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड होती है, ठीक है, ओल्ड एज बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, बहुत सारी चीजें ना। अब आपको बताता हूं कहां पे लिखा हुआ ये, आपके आपके बुक के अंदर है पेज नंबर 1.8 लिखा है पर्सनल इनकम मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड पर्सनल इनकम अराइजेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, क्या है वो रीजन, रीजन ऑफ डिफरेंस, पहला ए पार्ट, ऑल इनकम विच आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बट आर नॉट पेड टू इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एज इनकम, सही बात है ये, मतलब कह रहे हैं कि पूरे नेशनल इनकम में कई ऐसी चीजें हैं जो हम इंक्लूड करते हैं बट इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं देते। हमारे कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है अभी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, बराबर है, सेकेंडरी सेक्टर मतलब कौन सा हो गया, इंडस्ट्री, और टर्शरी मतलब सर्विस, आफ्टर ऑल ये दोनों मतलब कंपनीज ही है, कंपनी जो भी पैसे कमाती है उस पर टैक्स जो भरती है वो ठीक है, बट क्या वो कंपनी वो पैसा आप सबको देती है क्या, थोड़ा बहुत देती, कितना, डिविडेंड के फॉर्म में, यस और नो, बाकी रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स एक्सेट्रा, तो क्या ये कंपनी जो इतना सारा पैसा कमाया वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हुआ क्या, कंपनी जो जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर किए, इनकम मेथड ले लो, एक्सपेंडिचर मेथड ले लो, इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, बट क्या पर्सनल इनकम में आया क्या वो, नहीं, पर्सनल इनकम में तो सर सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड आया और कुछ भी नहीं आया, क्यों, सही है, वो डिविडेंड बांटते हैं जो पर्सनल इनकम में आता है, और जो कॉर्पोरेट में, मान लो 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 10 करोड़ डिविडेंड बांटा, तो बचा जो 90 करोड़ है ये तो रिटेन्ड अर्निंग होगी ना कंपनीज की, चाहे वो रिजर्व्स में जाए, चाहे वो उसको आगे इन्वेस्टमेंट करे, कुछ भी करे, क्या वो इंडिविजुअल्स को मिला वो पैसा, नहीं, लेकिन नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में तो आ चुका है, क्योंकि जीडीपी में आ चुका है, जीडीपी से हमारे एनएनपी के अंदर वो इंक्लूडेड है ऑलरेडी, ये पहला फर्क है, ऑल इनकम विच आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बट आर नॉट पेड टू इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एज इनकम, डिविडेंड्स, इंडिविजुअल ओनली रिसीव डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, 100 करोड़ कमाए, 10 करोड़ डिविडेंड बांटा, तो बचा 90 करोड़, क्या हुआ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट है बट उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसके पास रहता है, रिटेन्ड बाय फर्म्स, और बचा तीसरा हिस्सा किसका रहता है प्रॉफिट का, गवर्नमेंट का टैक्स, वो टैक्स आपको देती गवर्नमेंट की अपने जेब में रखती, अपने जेब में, इतने जोर से बोला देखो, अपने जेब में रखती, ठीक है, तो यानी प्रॉफिट के तीन हिस्से हुए ग्रॉस प्रॉफिट के, एक गया गवर्नमेंट को, एक गया आप जैसे इंडिविजुअल को, और तीसरा उनके खुद के पास रहा, तो आपके हिस्से कितना आया, बस वो एक हिस्सा, बचे दो हिस्से भी तो है जो ऑलरेडी किसमें इंक्लूड हो चुके हैं, नेशनल इनकम में हो चुके, कैसे सर, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस जो हमने किया, उसके बाद हमारी इनकम हुई और हमने वो सब कुछ अकाउंट फॉर किया, तो वो हमारे नेशनल इनकम में आ गया, बट ये दो चीजें हमारी पर्सनल इनकम में नहीं आती है, दैट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर डिफरेंस नंबर ए, एंड सेकेंड इज सर्टन इनकम्स आर पेड बट नॉट अर्न्ड एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये जो अभी मैंने आपको बताया स्कॉलरशिप, ट्रांसफर पेमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट, रिलीफ पे कुछ मुआवजा वगैरह देते हैं, क्या इसके बदले में आपने गवर्नमेंट को कुछ दिया, कोई गुड सर्विस प्रोड्यूस हुई, नहीं, तो जीडीपी नेशनल इनकम में तो आएगा ही नहीं, लेकिन पर्सनल इंडिविजुअल्स को तो मिली ना वो इनकम, दैट मीन्स इट विल बी इंक्लूडेड इन द पर्सनल इनकम, द कंप्यूटेशन ऑफ पर्सनल इनकम इज वॉट, नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, देखिए पर्सनल इनकम दिया हुआ है, सॉरी नेशनल इनकम दिया हुआ है मुझे, और मुझे उससे क्या निकालना है, पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम में जो जो चीजें इंक्लूड हुई है और जो पर्सनल नहीं मिलती वो हटा दो, और जो जो चीजें पर्सनल को मिलती है नेशनल को नहीं मिलती वो ऐड कर दो, तो पर्सनल इनकम आ जाएगा, तो पहले क्या ऐड किया, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज बेनिफिट्स, ये मुझे रिसीव किए बट मैंने कमाए क्या, नहीं, तो ये नेशनल इनकम में नहीं थे इसलिए इसको ऐड कर दिया, और लेस क्या कर रहे हैं हम,
इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, क्या होता है ये पार्ट ए अभी जो ऊपर आपको बताया, ठीक है, इनकम अर्न हमने शेयर होल्डर्स का ही रहता ना, बोलते पूरा प्रॉफिट पूरा रहता, लेकिन मिली क्या हमको, नहीं हमको सिर्फ डिविडेंड मिला, तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, तो हमारी पर्सनल इनकम से वो नेशनल इनकम से हटाना पड़ेगा। तो ये दोनों हटाने के बाद हमारा एक ऐड करेंगे एक लेस करेंगे, इसके बाद हमारा आएगा पर्सनल इनकम। ये समझा क्या, कंप्यूटेशन ऑफ पर्सनल इनकम, हा कि ना, पक्का? चलिए, डिस्पोजेबल इनकम आप लोगों को अभी बताया था, क्या होता है डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्सेस, और दूसरा एक और फॉर्मूला है कंजम्पशन प्लस सेविंग। भैया डिस्पोजेबल इनकम यानी क्या होता है हमारी, वाई इज इक्वल टू और सी प्लस एस, अभी आपको बताया था, सी रिप्रेजेंट कंजम्पशन, एस रिप्रेजेंट सेविंग्स, यस और नो? क्योंकि जो भी हमारी डिस्पोजेबल इनकम है उसका हम करेंगे क्या, आइदर वी विल कंज्यूम और वी विल सेव, उसके अलावा तीसरा कोई रास्ता, जलाएंगे तो कोई नहीं ना, क्यों आए नहीं जला दो नोट को, नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया आज नहीं लेते, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, आज यही रुकते हैं, होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, टिल देन बाय, कल मिलते हैं, कोई डाउट हो तो आ जाओ। रजिस्टर है ना, रजिस्टर कल से लेके, कल कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग, तो रजिस्टर लगेगी, ठीक है।